गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज मनीष सुखीजा, टीम सीएलसी फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों आज के हम इस फिजिक्स इको सेक्शन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का पेपर सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सरफेस टेंशन, एलास्टिसिटी, आपका फ्लूड मैकेनिक्स और SHM के बेटा हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं जहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, द स्ट्रेस ऑफ 3.18 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन अ स्टील रोड ऑफ अ लेंथ 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इट्स लेंथ, इट्स यंग्स मॉडुलस, आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द एलोंगेशन ऑफ द प्रोड्यूस इन द रॉड ई। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर 1 मीटर लंबी स्टील की छड़ दे रखी है बेटा, जिसके लिए आपको प्रतिबल का मान दे रखा है, क्लियर, और इसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो छड़ में वृद्धि mm में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर mm के अंदर वृद्धि कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम एक बात जानते हैं, हम y बराबर क्या लिखते हैं, y बराबर लिखा जाता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू लिखना चाहूँ, ठीक है, तो स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एल बाई एल के इक्वल, चेंज इन द लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो दिस वन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहाँ पर आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 3.18 × 10⁸। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे दी आपको 2 × 10⁻¹। ठीक है, अब ये 10⁻¹ आप ऊपर ले जाओगे बच्चों ये माइनस में हो जाएगा, तो 3.18 × 10⁸ और ये 10⁻¹ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.59 × 10⁻³। ठीक है, लेकिन बच्चों ये अभी आपके पास क्या निकल कर आया है, स्ट्रेन निकल कर आया है। ठीक है, आपको चेंज इन द लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा एल सॉल्व करेंगे ये टर्म, तो आप 1.59 × 10⁻³ को, ठीक है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ कितनी दे रखी है रॉड की, 1 मीटर दे रखी है, तो आप उसको 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिगर बेटा आपका वही रहेगा 10⁻³। ठीक है, ये आंसर बेटा अभी मीटर में आया है, तो इसको अगर आप mm में चेंज करोगे तो 1.59 mm के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4th ऑप्शन आएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमने स्ट्रेन पहले कैलकुलेट कर लिया और स्ट्रेन से फिर हमने यहाँ पर जो चेंज इन द लेंथ है, इंक्रीज इन द लेंथ है, वो हमने यहाँ पर सॉल्व करी है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन हमको क्लियर हो चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा है बच्चों इस क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर इज इक्वल टू, किसी भी वायर का यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होगा, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बेटा, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ 4 times। ठीक है, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट एंड हाफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट। तो आपको ये कहा गया है कि एक तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक किसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और आपको बच्चों ये 4 स्थितियां दे रखी हैं, चारों स्थितियों के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेटा स्ट्रेस को कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप y इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, स्ट्रेन की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो इस कंडीशन के अंदर यंग्स मॉडुलस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेस के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों इसके अंदर हमारा सेकेंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेस द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस अ यूनिट स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर बच्चों विकृति का मान जो है वो इकाई के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, तो जब स्ट्रेन की वैल्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेल्टा एल अपॉन एल ये वैल्यू आपकी इक्वल टू 1 है, और इसको अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 100%। इसका मतलब इंक्रीज इन द लेंथ जो बन रहा होगा बच्चों वो 100% के बराबर बन रहा होगा, और जब भी 100% होगा तो इसका मतलब फाइनल लेंथ जो होगी वो इनिशियल लेंथ के डबल के बराबर भी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार बनता है बेटा कि अगर स्ट्रेन जो है, अगर आप किसी वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेन की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर तो स्ट्रेन जब 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो यंग्स मॉडुलस जो होगा इसकी वैल्यू जो है बेटा स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमको क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। अ स्टील वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। ठीक है, कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेन, आपको स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज गिवन टू 2 × 10^11, द मैक्सिमम मास ऑफ द वायर कैन बी होल्ड इन इट। ठीक है, कितना मास मैक्सिमम होल्ड किया जा सकता है? तो आपको अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल वाला एक स्टील का तार दे रखा है जिसके अंदर विकृति का मान दे रखा है, स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे रखा है। ठीक है, तार से अधिकतम द्रव्यमान लटकाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये कंडीशन कुछ इस तरीके की हो गई है कि जैसे आपने यहाँ पर ये एक स्टील का वायर ले लिया है और इससे आपने यहाँ पर एम द्रव्यमान लटकाया है। ठीक है, तो इस एम द्रव्यमान की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी वो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज बेटा आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आपको एरिया गिवन है, स्ट्रेन गिवन है। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस गिवन है। क्लियर, तो आप सिंपल सी बात है बेटा, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है बेटा किसके इक्वल होता है, दिस वन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं बेटा, फोर्स जो होगा किसके इक्वल होगा, हैंगिंग मास के इक्वल, तो ये mg अपॉन a, और यहां पर आप स्ट्रेन लिख रहे हैं। क्लियर, तो आपको बच्चों किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको यहां पर हैंगिंग मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हैंगिंग मास कैलकुलेट करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा बेटा यंग्स मॉडुलस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्ट्रेन। ठीक है, और डिवाइड बाय g। क्लियर, सारी वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है आपको 2 × 10^11। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है 3 × 10^-6। ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू आपको गिवन है 10^-3, और जी की वैल्यू बच्चों हम यहां पर कितनी रख देंगे, 10 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, क्लियर, और ये 10 भी बेटा रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा तो -1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी -6, -3। ठीक है, -9 हो जाएंगे, और ये वाला माइनस जो है 10 की जब ऊपर जाएगा 10 के बाद -1 बनेगा, तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे। इस -10 और +11 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बचेगा 2 × 3 × 10 के इक्वल। ठीक है, और अगर ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू द 60 kg। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, यानी हम मैक्सिमम यहां पर 60 kg का वेट हैंग कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा वेट हमने यहां पर हैंग किया तो ये जो है वायर जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेडियस बोथ आर डबल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। आपने एक तार लिया है, अगर आप तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों को दोगुना कर देते हैं तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि लंबाई को आप, लेंथ को आप बेटा डबल कर रहे हैं, आप रेडियस जो है ये भी आप डबल कर रहे हैं। अब इसके अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये होती है बच्चों आपसे यहाँ पर कि हम चेंज इन द लेंथ का फॉर्मूला लगा करके चलते हैं। ठीक है, जो आप लिख देते हैं बेटा एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, और यहाँ से कई बार बच्चे जो होते हैं रिलेशन निकाल लेते हैं और कहते हैं भाई कि सर देखो वाई जो है ये एल अपॉन
आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में गया है, ठीक है। तो एल की वैल्यू आर की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। लेकिन ये सॉल्यूशन बेटा गलत होता है। यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ना ही रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज द यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए यंग्स मॉडुलस की बेटा वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है दैट विल बी डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस डस नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, लेंथ की पावर जीरो, एंड डस नॉट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ वायर। ना तो वायर की रेडियस पे डिपेंड करेगा, ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगा। आप लेंथ और रेडियस को चाहे डबल करो चाहे हाफ करो, दोनों ही केस के अंदर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वी कैन से दैट वाई डैश विल बी इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे कई बार लगाते हैं जो गलत होता है, ध्यान रखेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारा आंसर चला जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। चलो बच्चों ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा बेटा, इफ अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अ वायर इज गिवन एज 0.03 एंड इट्स पॉइजन रेशियो इज गिवन एज 0.05, ठीक है, देन व्हाट विल बी द लेटरल स्ट्रेन। आपको लेटरल स्ट्रेन बताना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा अनुदैर्ध्य विकृति दे रखी है, पॉइजन अनुपात देख रखा है और पार्श्विक विकृति दे रखी है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर आप कोई एक वायर लें और इस वायर के ऊपर जब फोर्स लगा करके इसको इंक्रीज करेंगे इसकी लेंथ को, तो ये इस तरीके से बेटा इसकी लेंथ तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन इसके रेडियस के अंदर जो है बेटा डिक्रीमेंट मिलेगा, रेडियस से डिक्रीज हो जाएगी। तो पॉइजन रेशो जो होता है बेटा सिग्मा, ये सिग्मा किसके बराबर होता है, दैट इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर ये लिखना चाहे बेटा दिस वन वैल्यू विल बी माइनस के डेल्टा आर बाय आर, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल, और हम यहाँ पर बच्चों माइनस का साइन भी लगाते हैं क्योंकि रेडियस डिक्रीज होती है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितनी, 0.5, ठीक है, और लेटरल स्ट्रेन जो है ये वैल्यू हमको यहाँ पर बच्चों फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.03 के इक्वल है, क्लियर। तो बस हमको यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन जो निकल करके आ जाएगा, अब क्योंकि बच्चों ये स्ट्रेन है तो कोई यूनिट लगेगी नहीं, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 0.03, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.015 के इक्वल, दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों यहाँ पर थ्योरी भी हमको इस क्वेश्चन के थ्रू पूरी सी एक बार रिवाइज भी हो चुकी है, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आएगा बच्चों वो थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो चलो बच्चों अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अ लॉट डब्लू प्रोड्यूस अ एक्सटेंशन ऑफ 1 mm, ठीक है, इन अ थ्रेड ऑफ द रेडियस आर। नाउ द लोड इज मेड 4W, ठीक है, एंड द रेडियस इज मेड 2R, रिमेनिंग ऑल द क्वांटिटीज रिमेन्स एज द सेम, द एक्सटेंशन विल बी बिकम, ठीक है। यानी आपने यहाँ पर लोड जो है बेटा, हैंगिंग लोड जो है उसको W से 4W कर दिया है, रेडियस जो है बेटा आपने R से 2R कर दी है, ठीक है। तो पहले अगर इंक्रीज इन द लेंथ 1 मीटर 1 mm के इक्वल था, ठीक है, तो अब इंक्रीज इन द लेंथ जो बन रहा है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आप देखो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम इंक्रीज इन द लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, एफ एल अपॉन ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए की जगह लिख सकते हैं जो हम पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। तो एफ क्या यहाँ पर,
एफ होता है बेटा हैंगिंग वेट, जो आपने वायर से जितना भी वेट आपने हैंग करा है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था, ठीक है। तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बच्चों यहाँ पर मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बेटा सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। हम यहाँ पर लेंथ की वैल्यू जो है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ केवल हैंगिंग वेट और रेडियस के अंदर हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा डब्ल्यू अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से आप देखें, आप डेल्टा एल डैश अपॉन डेल्टा एल ये वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, डेल्टा एल डैश अपॉन एल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वेट को तो बेटा हम फोर टाइम्स कर रहे हैं, तो ये फोर टाइम्स हो जाएगा वेट, ठीक है, और रेडियस जो है बेटा इसको हम डबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर अपॉन टू आर आएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू बनेगी बेटा सिर्फ केवल फोर, यहाँ पर वन बाय टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन बाय फोर, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी इक्वल टू वन। तो देखा जाए तो ये रेशो आपके पास वन आ रहा है, इट मीन्स डेल्टा एल डैश जो है दिस वन विल बी इक्वल टू डेल्टा एल, और पहले जो है इंक्रीज इन द लेंथ जो आपको दे रखा था 1 mm दे रखा था, तो अभी भी आपके पास ये वैल्यू 1 mm के बराबर आएगी, जो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, इज इट क्लियर। इस टाइप के बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ of the elasticity, if the stress is increased, then the ratio of strain to stress to strain, यानी अगर हम हुक का नियम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्रतिबल को आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हुक्स लो आपको क्या कहता है, हुक्स लो हमको ये कहता है कि अगर हम लिमिट ऑफ एलास्टिटी के अंदर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस है That will be proportional, क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। तभी तो हम यहाँ पर जब प्रोपोर्शन का साइन हटा देते हैं तो आप क्या लिखते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, इज इट क्लियर। तो आप देखोगे यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और ये वैल्यू बेटा क्या होती है, दिस वन विल बी इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, आपका जो प्रत्याशा गुणांक होता है उसके बराबर होता है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर आप रेशो फाइंड आउट करेंगे तो ये रेशो बेटा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे बेटा रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्लियर। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ रबड़, आपको एक रबड़ का यंग्स मॉडुलस गिवन है, ठीक है, एरिया आपको गिवन है यहां पर, एंड द फोर्स जो है वो भी आपको यहां पर गिवन है, is applied along its length, length के along apply कर रहे हैं, then its initial length L become, यानी अब आपको ये find out करना है कि final length जो है वो initial length का कितना times हो जाएगा, ठीक है, clear? तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर कुछ डाटा बेटा आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ डाटा आपको MKS में दे देते हैं, कुछ डाटा आपको CGS में दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें यंग्स मॉडुलस जो है आपको एरिया जो दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपको दे दिया बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको आप बच्चों 2 इंटू 10 की पावर, इसको मीटर स्क्वायर के अंदर चेंज कर देंगे तो 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ये आपको 2 इंटू 10 की पावर 5 डाइन ले रखा है, ठीक है, तो अगर इसको आप न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, तो ये वैल्यूज कट हो जाएंगी, तो दिस वन फोर्स विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है। तो वी नो दैट डेल्टा एल बच्चों किसके बराबर होता है, दिस वन इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए वाई, ठीक है। तो अब देखो बच्चों हम यहाँ पर सारी वैल्यूज रख सकते हैं, एफ की वैल्यू आपको पास कितनी बेटा है 2 है इंटू एल,
डिवाइड बाय एरिया आपको दे दिया बेटा 2 × 10⁻⁴ और आपको यंग्स मॉडुलस की बेटा वैल्यू दे रखी है बेटा 10⁻⁴। ठीक है, तो ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होंगे, 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर आएगी, एल के बराबर। ठीक है, अब इसके अंदर हम जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर एल ऑप्शन दे देता तो वो भी टिक कर देते हैं। ठीक है, आपसे फाइनल लेंथ पूछी गई है, तो आप देखो यहाँ पर डेल्टा एल जो है दिस वन विल बी इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, एल के इक्वल आ रही है। तो यहां से अगर आप फाइनल लेंथ देखेंगे एल डैश, तो दिस वन वैल्यू विल बी एल प्लस एल, तो एल डैश विल बी इक्वल टू 2l, यानी इस केस के अंदर फाइनल लेंथ जो है वो इनिशियल की क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन में डबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एक तो हमको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी यूनिट कन्वर्जन के अंदर अगर गलती होगी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बच्चों इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन देखते हैं। क्लियर, देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, इफ अ वायर इज लोडेड बाय एमजी वेट, आपने एक वायर से एमजी वेट लटका रखा है, ठीक है, और इंक्रीज इन द लेंथ आपको बच्चों कितनी दे रखी है, एल, यानी आपने यहाँ पर एक तार से एमजी वेट लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, एल हो रही है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्क डन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर बेटा। तो जब भी आप किसी वायर से वेट हैंग करोगे तो वायर की लेंथ के अंदर बेटा इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो दिस वन वर्क डन विल बी इज गिवन एज 1/2 इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ मास। ठीक है, और इंक्रीज इन द लेंथ बच्चों आपको एल दे रखा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एम जी एल डिवाइड बाय 2। क्लियर, सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं बच्चों। देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच द लेंथ, आपको लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट दे दिया बेटा यहाँ पर 1% है। ठीक है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 mm² दे दिया है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वर्क डन पर यूनिट फाइंड आउट करना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर हमको यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट देखेंगे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, अच्छा बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो वर्क डन होता है इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू रख देते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, दिस वन वैल्यू इक्वल टू 9 × 10⁻¹। ठीक है, अच्छा स्ट्रेन बच्चों आपको यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा 1%। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 1/100 और इसका क्या करना हमको यहाँ पर स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप देखो 9 में 2 का डिवाइड तो यही बन गया बेटा 4.5 × 10⁻¹। अच्छा ये 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10⁴ हो जाएगा, जिसको आप रिवर्स करके ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻⁴ होगा, तो आप यहाँ पर 4.5 × 10⁻¹⁴ कर देंगे बच्चों, जो 7 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, और ये आपके पास बेटा जूल पर मीटर क्यूब के अंदर एनर्जी डेंसिटी या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, इज इट क्लियर। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। देखिए द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाई टू द फ्लूड, ठीक है, फ्लूड मतलब हम यहाँ पर बेटा तरल ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो लिक्विड के लिए कौन सा प्रत्यास्था गुणांक होता है बेटा। ठीक है, तो अगर हम यंग प्रत्यास्था की बात करें तो ये हम ठोसों के लिए काम में लेते हैं, सॉलिड के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, शियर मॉडुलस जो होता है ये भी आपके क्या कहते हैं सॉलिड के लिए यूज में लेते हैं।
अगर लिक्विड के लिए अगर हम देखना चाहें तो हम बल्क मॉडुलस यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करना चाहें तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया बेटा। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो फॉर लिक्विड वी यूज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम देखिए क्या लिखा हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। टू व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी शुड अ रबर बॉल, ठीक है, बी टेकन टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय द 0.1%, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1000 एंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द रबर इज गिवन एज 9×10^8, ठीक है, एंड ग्रेविटी आप कितनी ले रहे हैं बेटा, जी की वैल्यू दिस वन। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि हम सी लेवल से कितना डेप्थ पे जाएं, ठीक है, कि रबर बॉल के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज बन रहा है, ठीक है, वो डिक्रीज 0.1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है, तो बल्क मॉडुलस लिखा जाता है बेटा दिस वन इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन द प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। तो जब आप सी लेवल से बॉटम पे जाएंगे तो ये चेंज इन द प्रेशर बेटा किसके इक्वल होता है, एच रो जी डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू बेटा आपको फाइंड आउट करनी है, बाकी सारे डाटा आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप देखो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपके पास है 9×10^8, ठीक है, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी बेटा 10^3, ठीक है, जी की वैल्यू बेटा यहाँ पर 10 हो जाएगी माइनस। अब आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है बच्चों वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है 0.1%, तो ये माइनस लगाते हुए हम यहाँ पर 0.1% को लिख सकते हैं दिस वन डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी 9×10^8 इक्वल टू एच, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 10^4, ठीक है। अगर यहाँ से भी एक पॉइंट हटा देंगे तो 1000 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 1/1000 जो रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा h×10^4×10^3, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी h×10^7। तो बच्चों हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो h वैल्यू आ जाएगी 9×10^8 डिवाइड बाय 10^7, ये 7 रिवर्स होकर ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ 10^8 और ये 10^-7 आएगा जो +1 हो जाएगा, तो दिस वन आंसर विल बी इक्वल टू 90 meters। तो सी लेवल से बेटा हम कितने डिस्टेंस पे जाएंगे, बॉटम पे जाएंगे 90 meters की डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बच्चों, आपका फोर्थ ऑप्शन आ गया है, क्लियर है ये क्वेश्चन भी यहाँ पर, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखो बल्क मॉडुलस का बन के आ रहा है यहाँ पर। व्हेन द प्रेशर ऑफ 100 एटम, आपको प्रेशर की वैल्यू अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इज अप्लाइड ऑन द स्फेरिकल बॉल, एक बॉल पे अप्लाई कर रहे हैं, इट्स वॉल्यूम रिड्यूस टू द 0.01%, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल आपको कैलकुलेट करना है, किस में कैलकुलेट करना है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज गिवन है, लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सीजीए सिस्टम के अंदर आपको आंसर निकालना है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर जो आपको दे रखा है पी की वैल्यू, ठीक है, वो दे रखी है आपको 100 atm की इक्वल, जिसको आप लिख सकते हैं एटा 100×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 atm जो होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू बच्चों टोटल जो बन जाएगी, दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 10^7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये हमने किस में कैलकुलेट करी है, MKS में, इसको मैं यहीं पर CGS में चेंज कर देता हूँ। तो ये 10^7 न्यूटन को चेंज करेंगे डाइन में 10^5 डाइन, मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे 10^4। अब यूनिट लगा सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी एटा, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 10^8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पी हमने कैलकुलेट कर लिया है, बल्क मॉडुलस हमको फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल सा हो जाएगा, बल्क मॉडुलस पी इज इक्वल टू
माइनस के डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। तो आप देखो पी की वैल्यू आ जाएगी 10^8, ठीक है, माइनस डिक्रीज इन द वॉल्यूम आपको दे रखा है टा 0.01% है, तो 100 और आएगा, और ये पॉइंट हटाओगे तो 100 और आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये 10^8 यहाँ पर 1/10^4 हो जाएगा, जो रिवर्स होके ऊपर चले जाएंगे, तो 10^8 इंटू 10^4, दिस वन आंसर 1 × 10^12 न्यूटन पर। अच्छा अब आप देखो यहाँ पर न्यूटन हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमने CGS के अंदर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट चली जाएगी बेटा आपकी, दिस वन यूनिट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन भी हमको ध्यान में रखना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा आपका थर्ड ऑप्शन, क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में देखते हैं हम। अ यूनिफॉर्म क्यूब, आपको एक क्यूब दे रखा है, इज सब्जेक्टेड टू द वॉल्यूम कंप्रेशन, ठीक है, इफ ई साइड इज डिक्रीज बाय द 1%, ठीक है, देन द बल्क स्ट्रेन विल बी, आपको बल्क स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है बेटा उसकी लंबाई में 1% की आप कमी कर रहे हैं, तो हम एक बार जानते हैं बेटा वॉल्यूम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एल क्यूब। तो अगर आप डेल्टा वी बाय वी कैलकुलेट करेंगे तो पावर को आगे ले आएंगे तो ये 3 × Δ L/L हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है इस केस के अंदर 1% डिक्रीज कर रहे हैं, तो दिस वन इक्वल टू 1%, और अगर आप इस परसेंट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1/100, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.03, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बल्क स्ट्रेन बनेगा, ठीक है, वो कंप्रेशन के कारण वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज होगा, तो आप यहाँ पर बल्क स्ट्रेन की अगर बात करेंगे, बल्क स्ट्रेन कितना है, ठीक है, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.03 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, मैच होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बल्क मॉडुलस के ऊपर है, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर दे दी गई है। अब आपको सीधे सीधे बल्क मॉडुलस ना दे करके कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू गिवन है, तो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर आपको गिवन है यहाँ पर, इफ 1 लीटर इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ 4 × 10^7 Nm², देन द डिक्रीज इन द वॉल्यूम विल बी। अब आपको डिक्रीज इन द वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको एक पॉइंट हम बताते हैं बेटा, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है दिस वन विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का जो व्युत्क्रम होता है वही हम कंप्रेसिबिलिटी, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, संपीड़िता कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने बी का जो अभी फॉर्मूला डिस्कस किया, बी इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, Δp/-Δv/v, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से -Δv/v कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी Δp/v के, और 1/v किसके बराबर है, c के इक्वल है, ठीक है। तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम जो है Δv/v इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी c × Δp या प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू, c की वैल्यू आपके पास गिवन है 6 × 10^-10, ठीक है, Δp गिवन है आपके पास 4 × 10^7, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 × 10^-3। ये तो बेटा अभी स्ट्रेन निकल कर आया है, ठीक है, आपको वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ वो कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर Δv लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन डिक्रीज इन द वॉल्यूम बताएगा, तो ये हो जाएगा 24 × 10^-3। इस v को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, और वी वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर, तो दिस वन इक्वल टू 1 लीटर। अब ये लीटर भी दे रखा है, इसको भी आपको यूनिट को चेंज करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करें तो 1 लीटर जो होता है दिस वन इक्वल टू 10^3 cm³, 1 लीटर में 10^3 cm³ होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो दिस वन विल बी इक्वल टू 24 cm³, जिसको आप 24 cc भी लिख सकते हैं,
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बच्चों वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज बन रहा है, डेल्टा वी माइनस साइन जो है बेटा डिक्रीज को चेंज कर शो कर रहा है यहाँ पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी हमको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करेंगे, ठीक है क्लियर, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो आइडियल गैस इक्वेशन लग जाएगी, क्लियर। तो सबसे पहले तो आप देखो बल्क मॉडुलस अभी हमने क्या लिखा है, डेल्टा पी डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी, यही एक्सप्रेशन है। इस वी को अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी इंटू वी, ठीक है। इसको आप माइनस डी पी बाय डी वी इंटू वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है क्या होती है बेटा, पी वी इक्वल टू क्या लिखते हैं एन आर टी, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू बेटा यहाँ पर कॉन्स्टेंट बोली गई है। अच्छा जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले रहे हैं तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया बेटा पी वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी प्लस वी, ये हो जाएगा बेटा डी पी, और किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो वी कैन से दैट वी डी पी इक्वल टू माइनस के पी डी वी हो गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डी पी अपॉन डी वी ये रेशो फाइंड आउट करेंगे तो दिस वन रेशो विल बी इक्वल टू माइनस के पी वाई वी, ठीक है। अब ये वैल्यू बेटा हम अपनी इस इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बल्क मॉडुलस लिख सकते हैं बेटा बी इक्वल टू माइनस माइनस पी अपॉन वी इंटू वी, तो वी से वी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये बल्क मॉडुलस जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा आपका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन। इसके अंदर देखो आइडियल गैस इक्वेशन भी यहाँ पर अप्लाई हो गई है, क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फीयर ऑब्जेक्ट इज बी, ठीक है, इज इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रैक्शन द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस, ठीक है। रेडियस के अंदर कितना डिक्रीज होगा ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वी नो दैट बल्क मॉडुलस क्या लिखा जाता है, दिस वन इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय माइनस के डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, ठीक है। और हम एक बार जानते हैं अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, तो आपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रखा है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी द वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर डेल्टा वी बाय वी लिखेंगे तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, डिक्रीज इन द रेडियस, ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस वाली वैल्यू इसको यूज में ले लेंगे, डिक्रीज इन द वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया हमने, ठीक है। तो आप बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू P अपॉन 3 डेल्टा R डिवाइड बाय R, ठीक है, ये माइनस का साइन आ गया। और अगर हम यहाँ से माइनस डेल्टा R बाय R ये वैल्यू लिखेंगे तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू P डिवाइड बाय 3V, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दिस वन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम शीयरिंग स्ट्रेस कॉज द चेंजिंग, ठीक है, शीयरिंग स्ट्रेस से किसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेंथ में चेंज होगा, ब्रेथ में चेंज होगा, शेप में चेंज होगा, या वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर बेटा शीयरिंग फोर्स लगाते हैं, इस तरीके से टेंजेंशियली फोर्स लगता है, तो ये जो स्लाइड्स होती हैं बेटा ये मूव कर जाती हैं लाइक दिस वन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है बच्चों किसी भी बॉडी के अंदर, वो बॉडी के शेप को क्या करता है यहाँ पर चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको चेंज देखने को मिलेगा
वो चेंज आपको किस में मिलेगा बच्चों, यहाँ पर शेप में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी लेंथ विड्थ वॉल्यूम जो रहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट के, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा बच्चों हमारा थर्ड आंसर, क्लियर। थियोरेटिकल क्वेश्चन से लर्न रखना इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर अ गिवन मटेरियल, आपको एक मटेरियल के लिए, ठीक है, यंग्स मॉडुलस की गिवन जो है वैल्यू जो है, दिस वन विल बी 2.4 टाइम्स ऑफ द रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस, देन द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशो विल बी, आपको पॉइजन रेशो बताना है। तो किसी भी दिए गए पदार्थ के लिए यंग दृढ़ता गुणांक, यंग गुणांक जो है वो दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है, तो पॉइजन अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है यंग्स मॉडुलस जो है ये 2.4 टाइम्स है शेयर मॉडुलस का या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों यहाँ पर, वाई स्क्वायर टू लिखते हैं एटा 2η1+σ, ठीक है। अब ये रिलेशन बच्चों हमको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, इसके ऊपर वैल्यू रखनी होती है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी एटा 2.4, ईटा स्क्वायर टू 2η1+σ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो ये वैल्यू 1.2 आ जाएगी, 1+σ, तो सिग्मा की वैल्यू निकल कर आएगी 1.2-1, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं सिग्मा विल बी इक्वल टू 0.2, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्या लिखा हुआ है, द लोअर सरफेस ऑफ अ क्यूब इज फिक्स, एक क्यूब की लोअर सरफेस फिक्स कर रखी है, ऑन इट्स अपर सरफेस अ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल 30° फ्रॉम इट्स सरफेस, द चेंज विल बी इन दिस टाइप, ठीक है। आपको एक बॉडी दे दी जिसका लोअर पार्ट बेटा फिक्स कर रखा है, इसका मतलब आपको इस तरीके से एक बॉडी दे रखी है, ठीक है, जिसका लोअर पोर्शन बच्चों यहाँ पर फिक्स कर रखा है, कोई मूवमेंट नहीं है। अब एक फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स लगाया गया है, ठीक है, कितने एंगल पे लगाया गया है, 30° के एंगल पे लगाया गया है, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चों इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे होंगे, एक कंपोनेंट तो ये आएगा बेटा एफ कॉस 30°, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा जो कितना होगा बेटा एफ साइन 30°, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एफ कॉस 30 जो है ये इसकी लेयर के टेंजेंशियल लग रहा है, अब अगर ये टेंजेंशियल लग रहा है तो ये इसके अंदर शियर स्ट्रेन जनरेट करेगा, जबकि एफ साइन थीटा जो है बेटा ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट विल बी डेवलप अ शियर स्ट्रेस, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट जो है, दिस वन कंपोनेंट डेवलप अ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, क्लियर, जिसके कारण आपको स्ट्रेन भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, दिस वन कंपोनेंट, इसके कारण तो बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो रही होगी, ठीक है, और इस नॉर्मल स्ट्रेन के कारण जो है, नॉर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होगा इसके कारण यहाँ पर बॉडी की एटा साइज जो है वो चेंज होगी, ठीक है। यानी इस सिचुएशन के अंदर शेप और साइज दोनों ही वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है बेटा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन बच्चे टिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तभी टिक होता जब यहाँ पर फोर्स होता बेटा वो हॉरिजॉन्टल लगता, तो सिर्फ केवल शियर स्ट्रेस होता है उस केस के अंदर, सिर्फ केवल आप चेंज इन द शेप लेते हैं, तो यहाँ पर शेप भी चेंज होगा और साइज भी चेंज होगी, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमको क्लियर हो चुका होगा, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसके अंदर हमको देखना है बेटा मेक द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो स्लाइडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल्स लेयर्स इज मच इजियर देन द कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है। किसी भी सॉलिड की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, तो उनको और ज्यादा फोर्स लगाना कर कंप्रेस करना बेटा मुश्किल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, तो ये बच्चों अभी हमने देखा भी था, सी जो होता है बेटा 1/B के इक्वल होता है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रोड एज कम्पेयर टू द स्मॉल रोड, अगर हम लॉन्ग रोड की बात करें बेटा, ट्विस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ट्विस्टिंग जो होती है, दिस वन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, अगर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ट्विस्टिंग जो है फाई एंगल उतना ही बेटा यहाँ पर कम होगा, यानी इसको ट्विस्ट करना बेटा उतना ही ईजी होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपका आंसर नंबर थर्ड जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो होलो शाफ्ट इज मच स्मॉलर देन अ
स्ट्रॉन्गर देन अ सॉलिड रॉड ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम मास। ठीक है, तो बच्चों जो होलो शाफ्ट होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने के कारण उसको बैंड करना यहाँ पर उसके ऊपर टॉर्क लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो होलो शाफ्ट होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड रॉड। ठीक है, लेकिन हमको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, इट मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो बच्चों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, क्लियर। देखिए न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर बेटा, टू ब्रेक अ वायर अ फोर्स, आपको एक वायर को ब्रेक करने के लिए फोर्स 10^6 न्यूटन इज रिक्वायर्ड इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज 3×10^3 kg/m³ एंड द लेंथ ऑफ द वायर विच विल बी ब्रेक बाय इट्स ओन वेट, खुद के वेट के कारण जो है वायर वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो वायर की मैक्सिमम लेंथ हम कितनी लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बच्चों यहाँ पर लेंथ देखना चाहें, स्ट्रेस अगर हम देखें तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों हम, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो होगा यहाँ पर वेट के इक्वल हो जाएगा जो mg डिवाइड बाय a हो जाएगा। ठीक है, और मास इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया, और वॉल्यूम जो लिखा जाता है बेटा दिस वन इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू g डिवाइड बाय a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा d इंटू l इंटू g। d जो है बेटा डेंसिटी ले रखी है मैंने। ठीक है, तो l की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो l इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय d इंटू g के इक्वल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर सिग्मा वैल्यू दे रखी है बेटा। ठीक है, दिस वन वैल्यू इक्वल टू 10^6, डेंसिटी आपको दे दी बेटा 3×10^3, जी की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, तो ये 10^4 होगा, रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा जो 100/3 होगा एंड दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 34 meters। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 34 meters आ जाएगा ये, क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द स्फेरिकल शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू द। ठीक है, किसी भी रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल किसके कारण होता है, डेंसिटी के कारण, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई सी भी लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है बेटा वो स्ट्रेच होती है। ठीक है, यानी जो फ्री सरफेस मुक्त सतह जो होती है वो तन्यु झिल्ली की तरह काम करती है। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रेन ड्रॉप होती है, वाटर ड्रॉप जो होती है, वो मिनिमम टू मिनिमम एरिया को गेन करने की कोशिश करती है, और यही रीज़न होता है कि वाटर ड्रॉप जो होता है वो आपको स्फेरिकल फॉर्म के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेप जो है, ठीक है, स्फेरिकल शेप जो है वो किस रीज़न के कारण जाएगा बेटा, दिस वन इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप हेल्प इन क्लीनिंग द क्लोथ बिकॉज। ठीक है, जो साबुन का कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन का घोल की हम क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि जब भी आप वाटर के अंदर बेटा सोप सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, ठीक है, अगर आप सोप सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं इन वाटर, ठीक है, तो इस केस के अंदर बेटा वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है बच्चों वो डिक्रीज हो जाता है। अब जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो वाटर जो है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो वाटर जो होगा कपड़ों के जो स्मॉल होल्स होते हैं वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वहाँ पर भी इजीली पहुँच जाएगा, जिसके कारण जो क्लोथ्स होंगे बेटा वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए बेटा यहाँ पर सोप सोल्यूशन मिक्स करते हैं, क्योंकि सोप सोल्यूशन जो होता है बेटा वो पार्शल सोल्यूबल कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत घुलता है, थोड़ा बहुत नहीं भी घुलता, और जब आप पार्शल सोल्यूबल कंटेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर वाटर का सरफेस टेंशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दिस वन विल बी द इट्स लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, द ब्रेक ऑफ द रेडियस 15 centimeters is fitted with a liquid of the surface tension 0.075 newton per meter. आपको surface tension value given है. Force across the imaginary diameter on the surface of liquid. ठीक है,
तो आप देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं एटा सरफेस टेंशन का, T is equal to क्या लिखते हैं, the force on the per unit length, imaginary length, और ये जो length है, this one will be equal to the diameter, आपको diameter दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर किसकी value find out करनी है, force की value find out करनी है, तो F की value हो जाएगी बेटा T into 2R, ठीक है, तो हमारे पास सारी values available हैं, surface tension force बच्चों यहाँ पर 0.075 है, ठीक है, 2 into radius आपको दे रखा है बेटा 15 centimeter, इसको आप meter में change कर लेंगे, तो ये 100 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट हटा देते हो तो यहाँ पर अपॉन में 1000 आ जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 75 इंटू 30 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 इंटू 100, तो ये एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 225, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस के 4, इसमें से 2 जीरो लेके डिवाइड कर देंगे, तो ये 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, और यूनिट लग जाएगी बेटा न्यूटन पर मीटर, क्लियर। तो ये हमने लिक्विड का जो है, ठीक है, लिक्विड के डायमीटर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, किसी भी द्रव का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर रिलेशन देखते हैं एटा सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू लिखा जाता है एटा T नॉट 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा सी की पावर n, क्लियर। थीटा सी जो होता है एटा, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इस कंडीशन पर सरफेस टेंशन की वैल्यू जो होती है बच्चों डिक्रीज होती है, ठीक है। और थीटा सी जो होता है बच्चों, इसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कम्प्लीटली फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो द आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, ठीक है, द टेम्परेचर इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड देन द सरफेस टेंशन विल बी डिक्रीज, ठीक है, क्लियर, लर्न रखना ये पॉइंट। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द यू शेप वायर एंड द लाइट स्लाइडर इज सपोर्ट टू द वेट, दिस वन वेट, ये आपको वेट जो लग रहा है ये गिवन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, तो इस स्लाइडर की, ये वाले आपको स्लाइडर दे रखा है, दिस वन इज द स्लाइडर, ठीक है, इसकी लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। और आपसे क्या पूछा गया है, इट्स वेट इज नेग्लिजिबल, आपने स्लाइडर का वेट नेग्लिजिबल ले रखा है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड फिल्म, ठीक है, इस लिक्विड फिल्म की सरफेस टेंशन बतानी है, ठीक है। अब जब भी बेटा हम यहाँ पर लिक्विड फिल्म लेते हैं तो लिक्विड फिल्म के अंदर बेटा टू फ्री सरफेस होती है, एक आगे की तरफ भी होती है और एक पीछे की तरफ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक तो वेट लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर टेंशन फोर्स होगा जो कितना होगा, टी इंटू एल के इक्वल होगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट टू टी एल जो है ये किसको बैलेंस करेगा, जो एम जी को, एम जी मतलब क्या हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका, आपको टी कैलकुलेट करना है, तो टी हो जाएगा एटा डब्लू अपॉन टू एल, ठीक है। तो वेट की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 1.5 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 2, लेंथ आपको गिवन है एटा सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर है जो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, तो ये 3 के टेबल से बच्चों ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। और इसको हम बच्चों लिख सकते हैं कितना, 0.025, ठीक है, यूनिट लग जाएगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों इसके अंदर, हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे फिल्म जो होती है, सो फिल्म लेंगे उसके अंदर टू फ्री सरफेस होती है, एक आगे की तरफ भी और एक पीछे की तरफ भी, इसलिए बच्चों यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएसी फोर्स इज एक्सपीरियंस बिटवीन, ठीक है, जो ससंजक बल लगते हैं बेटा वो किन के बीच में लगते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट मटेरियल होता है या मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है। तो बच्चों जो कोएसी फोर्स होता है, ठीक है, द कोएसी फोर्स एक्ट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स,
सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया तो उनके बीच में लगने वाला बेटा जो फोर्स होता है इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो कोहेसिव फोर्स होता है। एक और फोर्स होता है बेटा एड्रेसिव फोर्स, जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन चाहिए बेटा, चलो और देखते हैं बेटा। फोर्स नेसेसरी टू पुल अ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर प्लेट ऑफ प्लेट दे रखा है 5 सेंटीमीटर आपको इसका रेडियस गिवन है, फ्रॉम द वाटर सरफेस फॉर विच द सरफेस टेंशन इज 75 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बेटा एक प्लेट दे रखी है सर्कुलर प्लेट, और इसको आप पर आप फोर्स लगा करके इसे वाटर सरफेस से ऊपर इस तरीके से खींच रहे हैं, ठीक है। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो वी नो दैट एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा टी इंटू सर्कमफेरेंस जो बनेगा 2πr आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा 75 × 2π, और रेडियस जो आपको गिवन है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेशन बेटा यहाँ पर सीजीएस में ही करा रहा है, ठीक है। तो 5 × 2 बेटा 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 750π, और यहाँ पे यूनिट लग जाएगी बेटा डाइन, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉप्स, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, टू ड्रॉप्स मर्ज विद ईच अदर, ठीक है, एंड फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप इन दिस प्रोसेस, यानी दो ड्रॉप्स बच्चों आपस में मिक्स हो गई हैं, और मिक्स होकर के इस तरीके से दो ड्रॉप्स हो गई हैं जो आपस में मिक्स होकर के एक बिग ड्रॉप के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी, ना तो मुक्त होगी ना ही अवशोषित होगी, कुछ द्रव्यमान जो है ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो जब भी बच्चों स्मॉल ड्रॉप्स चेंज होती हैं मिलकर के एक बिग ड्रॉप बनाती है, तो इस केस के अंदर जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, ये डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण सरफेस एनर्जी जो होती है, सरफेस एनर्जी, ठीक है, ये भी डिक्रीज होती है, बट इंटरनल एनर्जी जो है, ठीक है, लिक्विड की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो दिस वन एनर्जी विल बी अकर इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पर हीट प्रोडक्शन होगा, यानी हीट जो है बेटा एमिट होगी यहाँ पर, जिसके कारण लिक्विड का जो टेम्परेचर जो होता है बेटा वो राइज अप होता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब स्मॉल ड्रॉप्स बिग ड्रॉप के अंदर चेंज होती है, ठीक है, तो एनर्जी विल बी लिबरेटेड, ठीक है, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हमको ध्यान में रखने चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर सिली मिस्टेक भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप पहला और दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो एक में एब्जॉर्प्शन है, दूसरे में लिबरेशन है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, इसी का रिवर्स होता है, अगर बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, क्लियर, ध्यान से देखिएगा, क्लियर। तो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ द रेडियस आर इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल ड्रॉप्स, एक बड़ी ड्रॉप को बेटा हमने 8 इक्वल ड्रॉप्स के अंदर स्प्लिट कर दिया है। द सरफेस टेंशन इज अ टी, देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो आपको दे रखे हैं बेटा 8 दे रखी हैं, तो बिग ड्रॉप को जब आप स्मॉल ड्रॉप्स में चेंज करेंगे यहाँ पर, तो वर्क डन जो होगा 4πr² × t, n की पावर 1/3 − 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4πr² t, यहाँ पर आप बच्चों 8 लिख दोगे, 8 की पावर 1/3 − 1। अब 8 जो बेटा, दिस वन इज 2 की पावर 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4πr² t, ये 2 की पावर 3 की पावर 1/3 − 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 − 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 ही हो जाएगा, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4πr² × t, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों इसके अंदर, हमारा थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, क्लियर। देखो, और एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर सरफेस टेंशन पर,
द वर्क डन इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, इनिशियल आपको एरिया दे दिया है, ये आपका फाइनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, और आपको वर्क डन दे दिया है। क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन बच्चों किसके बराबर होगा? सरफेस टेंशन दिस वन विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चेंज इन द एरिया। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखेंगे हम यहाँ पर, जब आपको फिल्म दी जाएगी तो चेंज इन द एरिया जो होता है बेटा, सामने वाली साइड का भी एरिया चेंज होता है, बैक वाली साइड का भी एरिया चेंज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर बेटा 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे वर्क डन आपको दे रखा है बेटा 3 × 10⁻⁴। ठीक है, ये 2 चेंज इन द एरिया जो बनेगा, फाइनल एरिया देखोगे तो 10 × 11 हो जाएगा बेटा 110। ठीक है, ये 10 × 6 कितना हो जाएगा 60। ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जिसको आप मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 10⁻⁴ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 / 2 × ये डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा। तो दिस वन विल बी इक्वल टू 3 / 100, यानी दिस वन विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पर 2 वाला पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द मर्करी ईच ऑफ द रेडियस कैपिटल आर कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, यानी 2 आपने ड्रॉप जो हैं वो मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं। ठीक है, तो पहले और बाद में पृष्ठीय ऊर्जाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? ठीक है, तो एक रिलेशन में आपको इसके अंदर बताता हूँ। अगर आप ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल देखेंगे, तो मान लेते हैं अगर एन ड्रॉप्स है तो ये एन इंटू 4πr² × t डिवाइड बाय बिग ड्रॉप के लिए 4πR² × t, तो ये 4πt कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप एन आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके पास बेटा एक रिलेशन होता है ना, कैपिटल आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन की पावर 1/3 × r। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा n⁻²³। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो n⁻¹ n⁻²³, तो ये n⁻⁶ बनेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर n वैल्यू जो गिवन है वो 2 इस दे रखी है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2³⁰⁶:1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों इसके अंदर हमारा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिली मिस्टेक्स होती है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बस सिर्फ केवल रिवर्स का फर्क है। ठीक है, तो गो फॉर द बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिक्विड वेट अ सॉलिड कंप्लीटली, ठीक है, द मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड इन द, ठीक है, सफिशियंट लॉन्ग ट्यूब। तो बच्चों अगर कोई लिक्विड जो है अगर ठोस से पूर्णतः भीगता है, तो ये तभी होता है जब कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू जो है वो 90° से क्या हो, कम हो। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का मेनिस्कस बनता है बेटा, वो किस शेप का होता है? कॉनकेव शेप का होता है। तो ये जो मेनिस्कस बना है, दिस वन विल बी अ शेप ऑफ कॉनकेव। ठीक है, और बच्चों आपको याद हो कैपिलरी एक्शन के अंदर हम देखते हैं जब स्मॉल एंगल होता है, कॉन्टैक्ट एंगल बेटा स्मॉल होता है, तो इस केस के अंदर लिक्विड जो होता है बच्चों वो राइज अप होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर द लेवल ऑफ लिक्विड जो होगा, ठीक है, वो राइज अप होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसके अंदर आपसे शेप पूछा गया है, तो शेप हमारा क्या चला जाएगा? लिक्विड मेनिस्कस का कॉनकेव चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सिस प्रेशर, अब देखो ये एक्सिस प्रेशर का क्वेश्चन आ गया, इनसाइड अ सोप बबल इज 3 times, ठीक है, इनसाइड द सेकंड सोप बबल, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ सरफेस एरिया रेशो निकालना है। ठीक है, यानी एक साबुन के विलयन के बुलबुले का दाब अधिक के दूसरे साबुन के विलयन का 3 गुना है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में कहा गया है पी एक्सिस 1 जो है 3 times है पी एक्सिस 2 के कंपेरिजन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 40/r1
यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा 3 × 40/R2, ठीक है। तो ये 40 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से अगर आप R1/R2 ये रेशो निकालोगे तो ये रेशो 1/3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एरिया देखना चाहें तो एरिया जो होता है बेटा दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू R² 4πR² लिखते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप A1/A2 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो दिस वन आंसर विल बी इक्वल टू 1:9, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों हमारा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम का रेशो पूछता है तो वॉल्यूम के रेशो के लिए बेटा यहाँ पर 1/3 का क्यूब हो जाएगा, तो वो 1/27 हो जाता है, तो वो भी ऑप्शन दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा कि एरिया रेशो पूछा गया या वॉल्यूम रेशो पूछा गया है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 soap bubbles ऑफ द रेडियस R1 and R2, ठीक है, इक्वल टू द 4 cm and 5 cm आर टचिंग ईच अदर ओवर अ कॉमन सरफेस S1 S2, ठीक है। तो आपको 2 soap bubbles दे रखे हैं बेटा, जिनका आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू गिवन है और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कॉमन सरफेस जो है उसका आपको रेडियस पूछा गया है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो कॉमन सरफेस है, दिस वन इज अ कॉमन सरफेस जिसका आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो हम कैसे लिखेंगे, कॉमन सरफेस के लिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 40/R, क्योंकि इधर से एक एक्सिस प्रेशर लगेगा बेटा P-axis 1, इधर से एक एक्सिस प्रेशर लगेगा P-axis 2, जिसके अंदर P-axis 1 जो है वो मोर देन होगा किसके कंपैरिजन में, P-axis 2 के कंपैरिजन में। क्यों होता है, क्योंकि एक्सिस प्रेशर जो होता है बेटा वो रेडियस के रेसिप्रोकल में जाता है, ठीक है। तो दिस वन वैल्यू विल बी 40/R1, ठीक है, -40/R2, ठीक है। ये 40 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से जब आप कॉमन रेडियस का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है R1/R2/R2-R1, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास गिवन है बेटा 4 × 5/5-4, तो दिस वन वैल्यू विल बी 20/1 एंड दिस वन विल बी 20 cm, ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसके अंदर बच्चों आपका आंसर चला जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो आप चाहे तो बच्चों यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लर्न रख सकते हैं कॉमन रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर, ठीक है। तो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, द राइज इन द वॉटर लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब, आपको दे रखा है बच्चों कितना वाटर राइज हो रहा है कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस, रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। व्हेन द डिप इन द वर्टिकली इन अ बीकर कंटेनिंग द वाटर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की भी वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बच्चों एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब की त्रिज्या दे रखी है, पृष्ठ तनाव दे रखा है और जी का मान दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एच की वैल्यू भी लिखते हैं बेटा, तो कैपिलरी एक्शन के लिए एच कितना लिखा जाता है, 2T/ρ × R × G, ठीक है। तो ये 2 हो गया, सरफेस टेंशन बेटा आपको यहाँ पर 0.07 दे दिया, ठीक है, डिवाइड बाय डेंसिटी वाटर की 10^3, रेडियस जो है 0.07। अब गलती यहाँ पर होती है बेटा कि सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे 10^2, और जी की वैल्यू कितनी ले लेंगे बच्चों हम, 10 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इससे तो ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 3 + 1 = 4 हो जाएंगे, 4 से अगर ये 2 कैंसिल करोगे तो प्लस का 2 बनेगा, प्लस 2 को अगर आप रिवर्स में ले जाओगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस वन विल बी इक्वल टू 2 × 10^-2 m, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखेंगे बच्चों तो सेंटीमीटर में दे रखें, तो ये वैल्यू जो है किसके इक्वल होगी, दिस वन विल बी इक्वल टू 2 cm, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया है, क्लियर है क्वेश्चन बच्चों ये भी, ठीक है, कैपिलरी एक्शन के ऊपर। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, द कैपिलरी ट्यूब आपको दे रखी है बेटा ए, जो वाटर में डिप कर रही है, अनदर आइडेंटिकल ट्यूब बी जो है वो सोप वाटर में डिप कर रही है। जैसे सोप सॉल्यूशन बेटा मिक्स करते हैं, वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा हमको कि सोप सॉल्यूशन के अंदर बेटा सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि द नेचर ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द टू ट्यूब्स विल बी, तो एज वी नो दैट एच जो होता है टी की फॉर्म में प्रोपोर्शन में जाता है, ठीक है,
क्लियर। और जब आप सोप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सोप सॉल्यूशन के केस के अंदर सरफेस टेंशन जो होता है बेटा वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा तो एच की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर सेम लग रहा है, यहाँ पर तो बी में मोर देन चला गया, ठीक है। अगर सेकंड और फोर्थ को देखते हो यहाँ पर, तो इसके अंदर दोनों ही केस के अंदर आपको यहाँ पर डिक्रीज दिख रहा है, इसके अंदर भी थोड़ा सा डिक्रीज है यहाँ पर, लेकिन लिक्विड मेनिस्कस का यहाँ पर जो शेप है वो चेंज कर दिया गया है सेकेंड ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ट्यूब के अंदर कॉन्वेक्स शेप दे दिया, जबकि यहाँ पर बेटा ट्यूब के अंदर कॉनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर लिक्विड शेप को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, डिक्रीज दोनों में ही हो रहे हैं, बी के अंदर लेवल ए से कंपैरिजन में है, लेकिन लिक्विड मेनिकस का जो शेप है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन गलत होगा। कौन सा करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाटर राइज टू अ हाइट एच इन द कैपिलरी ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब द सरफेस ऑफ द वाटर इज मेड लेस देन एच, ठीक है। यानी यहाँ पर इनसफिशियंट लेंथ की बेटा आपने कैपिलरी ट्यूब ले रखी है, जब भी इनसफिशियंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब होगी तो इस केस के अंदर वाटर जो है वो मैक्सिमम हाइट तक राइज अप होता है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इस तरीके से सेट होता है बेटा कि H और R का मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये आपको कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली हाइट बेटा इनसफिशिएंट है तो अगर H की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी जो लिक्विड मेनिस्कस होता है बेटा वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, लेकिन कभी भी वाटर जो है बच्चों वो ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर राइज अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड द स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। जल केश नलिका में ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा और वहीं रुकेगा लेकिन बाहर नहीं बहेगा, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा हमको, तो गो फॉर द बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, डिप इन अ वर्टिकली इन द वाटर एंड द लिक्विड राइज अप 10 सेंटीमीटर इफ द एंटायर सिस्टम इज कीप फ्री फॉलिंग प्लेटफॉर्म द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम विल बी, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखना चाहें यहाँ पर H जो है, H डिपेंड करता है बेटा किसके इन्वर्सली होता है बेटा, G इफेक्टिव, ठीक है। अब अगर फ्री फॉल होगा तो G इफेक्टिव की वैल्यू बेटा जीरो होगी। अब H जब G इफेक्टिव जीरो होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि H की वैल्यू इन्फिनिटिव से हो जाएगी, यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं होगी। इस केस के अंदर जो वाटर राइज अप होता है दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। जितनी ट्यूब की लेंथ होगी वहां तक टॉप तक जो है वाटर राइज अप हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इस फ्री फॉलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जो वाटर राइज अप होगा वो 20 सेंटीमीटर तक राइज अप होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। ये पॉइंट जो है बेटा इस पॉइंट के ऊपर हम एक पॉइंट और ये भी देख सकते हैं, फ्री फॉल हो या सेंटर ऑफ अर्थ हो, ठीक है, या सेटेलाइट हो, आर्टिफिशियल सेटेलाइट या स्पेस की बात करें, इन सभी पॉइंट्स के लिए द राइज अप लेंथ विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट हमको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैपिलरी ट्यूब वाटर राइज बाय द 1.22 mm, ठीक है, द हाइट ऑफ द वाटर दैट विल बी राइज इन द अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग द हाफ ऑफ द रेडियस, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट। तो h जो लिखते हैं बेटा, h इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 2t अपॉन रो r g लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो रेडियस का इफेक्ट हम यहां पर देखेंगे, तो H जो है that will be the reciprocal of radius, तो it means H dash upon H जो है वो हो गया बेटा R upon R dash, तो radius को बच्चों हम यहाँ पर double कर रहे हैं, तो ये value नहीं, radius को हम यहाँ पर half कर रहे हैं, ठीक है। तो this one value will be equal to the R upon R dash is equal to R upon R by 2, this one will be equal to 2, तो H डैश जो होगा वो डबल हो जाएगा इनिशियल हाइट का, इनिशियल हाइट बच्चों कितनी है 1.2, इसका डबल कर देंगे तो ये 2.4 mm के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, क्लियर। ये रेडियस का इफेक्ट के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर राइज इन अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब
अप टू द हाइट 2 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, और इंक्लिनेशन जो है किससे बेटा, वर्टिकल से है. देन व्हाट अप टू द लेंथ ऑफ द वाटर विल बी राइज अप इन द ट्यूब. तो बच्चों अगर आप किसी बीकर के अंदर कैपिलरी ट्यूब ले लें, ठीक है, यहाँ तक वाटर राइज अप हो रहा है. अब इस कैपिलरी ट्यूब को अगर आप इंक्लाइंड कर देंगे, ठीक है, तो हाइट की वैल्यू तो बेटा यहाँ पर सेम रहती है, लेकिन इसके अंदर लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पर आप वर्टिकल से आप शो कर रहे हैं बेटा ये एंगल, तो दिस वन एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. अगर ये हम थीटा एंगल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वी कैन से दैट साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एल, ठीक है. तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, जो आप एच अपॉन एल लिख सकते हैं. तो एल वैल्यू आ जाएगी बेटा एच अपॉन कॉस थीटा. तो दिस वन इक्वल टू एच, हाइट आपको पहले कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर. अब इसके अंदर आप कॉस 60 का डिवाइड कर देंगे, तो कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होगी. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 × 2, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन 4 सेंटीमीटर. क्लियर है ये इंक्लाइन, ठीक है. इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना बेटा, इंक्लिनेशन एंगल वर्टिकल से लिया है, ठीक है. कई बार क्वेश्चन के अंदर इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल से दे देता है, उस केस के अंदर यहाँ पर कॉस की जगह साइन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है. तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमको. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम डायमीटर, ठीक है, डायमीटर यहाँ पे सेम दे दिए, आर पुट वर्टिकली ईच अदर इन द टू लिक्विड्स हुज रिलेटिव डेंसिटी 0.8 एंड 0.6, सरफेस टेंशन 60 एंड 50 डाइन पर सेंटीमीटर. द रेशो ऑफ द लिक्विड इन द टू ट्यूब्स, आपको H1S2 रेशो निकालना है, ठीक है. तो देखो अभी हमने H का जो फॉर्मूला लिखा था, H इक्वल टू लिखा 2T डिवाइड बाय रो RG, ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पर हमने कैपिलरी ट्यूब जो है बेटा सेम डायमीटर ले रखा है, ठीक है. तो H जो है H प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर T अपॉन रो, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पर H1 बाय S2 लिखेंगे, तो दिस वन वैल्यू विल बी T1 बाय T2 एंड यहाँ आ जाएगा बेटा रो 2 बाय रो 1, क्लियर. तो T1 T2 टेंशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कितने गिवन है बेटा 60 एंड 50. ये वैल्यू आपको 50 दे रखी है, ठीक है. और रो 2 वैल्यू बेटा आप 0.6 लेंगे, रो 1 वैल्यू बेटा आपकी 0.8 आ जाएगी, ठीक है. रिलेटिव डेंसिटी है, वाटर से भी आप मल्टीप्लाई करके डेंसिटी निकालेंगे, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा. तो 6/5 एंड 6/8, ठीक है. तो दिस वन 3 बार कैंसिल हो गया, ये 4/2 के टेबल से ये 2 बार गया, ये 3 हो जाएगा. तो दिस वन इक्वल टू 9/5 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10. तो ये रेशो आ जाएगा आपका 9/10, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन गया बच्चों इसके अंदर, हमारा 4th ऑप्शन, क्लियर. तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमको क्लियर हो चुका है, ठीक है. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एम मास ऑफ द वाटर राइज इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस आर, देन द मास ऑफ द वाटर विच विल बी राइज इन द ट्यूब ऑफ द रेडियस 2R. अगर हम कैपिलरी ट्यूब का रेडियस डबल कर देंगे, तो जो वाटर राइज अप हो रहा है उसका मास जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो आपको लर्न होगा बेटा, इसके अंदर हम जब कैपिलरी ट्यूब बनाते हैं, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट आता है, वो कंपोनेंट आता है T cos θ, ठीक है, क्लियर. जो वाटर को राइज अप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो T cos θ × 2πr, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ राइजिंग वाटर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास जो है, दिस वन इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रेडियस. तो अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे, तो अमाउंट ऑफ मास जो है बेटा वो भी क्या होगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा. तो ये 2R/R हो गया है, ये कैंसिल हो गया, तो दिस वन वैल्यू 2, ठीक है. तो आप देखोगे M′ = कितना आएगा, 2m, ठीक है. सिंपल सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है. तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन अ लार्ज बबल राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेग, ठीक है, लेग सरफेस, इट्स रेडियस डबल इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द कॉलम
ऑफ वाटर ऑफ द हाइट एच हाइट दे रखा है देन द डेप्थ ऑफ द लेक विल बी, ठीक है, यानी आपको ये कहा गया है एक वायु का बुलबुला झील की तली से सतह तक पहुंचता है तो उसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है, अगर वायुमंडलीय दाब एच ऊंचाई के पानी के स्तंभ के बराबर है तो आपको झील की गहराई बतानी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे अगर मान लो ये झील की तली ले ली, यहाँ पर एक वायु का बुलबुला है जो सतह तक पहुंच रहा है और इसकी त्रिज्या जो है रेडियस जो है बेटा डबल हो रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि बबल के इनसाइड जो एयर है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों P1V1 बराबर P2V2, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप प्रेशर देखोगे तो ये P0 प्लस एच रो जी के बराबर होगा, वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो 4/3 πr³ हो गया, जब ये सरफेस पे पहुंचेगा बबल तो सिर्फ केवल प्रेशर P0 होगा, ठीक है, और वॉल्यूम जो है अब 4/3 π, रेडियस जो बच्चों डबल हो चुका है तो ये 2r³ हो जाएगा, ठीक है, ये 4/3 π तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास P0 प्लस एच रो जी इसकल टू यहाँ 2³ हो जाएगा एटा जो 8 हो जाएगा, तो ये 8P0 आएगा, r³ भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब एच रो जी इसकल टू हो जाएगा, P0 को उधर ले जाओगे तो 7P0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर P0 जो गिवन है दिस वन विल बी इसकल टू एच रो वाटर कॉलम, कैपिटल एच हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × h × ρ × g, तो रो जी से ये रो जी बच्चों कैंसिल हो जाएंगे तो आप एच स्कल टू लिख सकते हैं 7h, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर गया। तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक भी देख लेते हैं, एटा स्मॉल एच स्कल टू लिख सकते हैं एटा n³-1 × H, एन जो है वो कितने टाइम्स रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर डबल हो रहा है रेडियस तो यहाँ पर 2 रख दो, 2³ कितना हो गया 8 में से 1 गया बेटा 7, तो आंसर आ गया 7h, ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रिक भी हमको क्लियर होगी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ बॉडी वेट ऑफ 50 ग्राम इन एयर एंड 40 ग्राम इन द वॉटर, हाउ मच वुड द वेट, ठीक है, इन द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको एक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.5, तो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, जो आपको 1.5 दे रखी है। अब एक बॉडी का वेट जो दे रखा है आपको इसके अंदर एयर में दे रखा है, ठीक है, और 40 ग्राम आपको दे रखा है वाटर में, ठीक है, क्लियर। और आपसे पूछा गया है कि लिक्विड के अंदर वेट कितना होना चाहिए, तो रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है बेटा दिस वन वैल्यू विल बी लॉस इन द वेट इन द लिक्विड डिवाइड बाय द लॉस इन द वाटर, ठीक है। तो अब आप देखो हमको सब कुछ वैल्यू से यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 1.5 हो गया, एयर में वेट बच्चों आपको 50 दे रखा है, वाटर लिक्विड में आपको कैलकुलेट करना है वेट, दिस वन विल बी 50 - 40, ठीक है। तो ये 10 बचेगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। और लिक्विड के अंदर अगर आप वेट देखेंगे तो वेट इन द लिक्विड जो निकल कर के आएगा दिस वन विल बी 50 - 15, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 35 ग्राम, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है हमको, कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसबर्ग ऑफ द डेंसिटी, आपको एक आइस पीस की डेंसिटी दे रखी है, दैट विल बी द फ्लोटिंग ऑन द वॉटर, वॉटर की डेंसिटी दे रखी है, द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइस क्यूब आउटसाइड द वॉटर, आपको बताना है कि जो आइस का पीस है उसका कितना वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम आउटसाइड होता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज में लेंगे बेटा वी आउट डिवाइड बाय वी जो होता है दिस वन विल बी इक्वल टू 1 - σ/ρ × 100, परसेंटेज में बताना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ आइस जो आपको 900 दे रखा है, वाटर की डेंसिटी बेटा हम 1000 ले लेंगे, इंटू 100 कैंसिल करेंगे, ये 20 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वन वैल्यू विल बी 1/10 ×
100 हो जाएगा, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 10% वॉल्यूम जो है, कुल वॉल्यूम का 10% वॉल्यूम जो आउटसाइड द वाटर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। तो इसके अंदर बच्चों हमारा ऑप्शन जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है बेटा, टू स्फीयर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल दोनों स्फीयर्स के सेम है, ठीक है, बट द रेडियस इज आर एंड 3R, आर अलाउड टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, द रेशो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो पूछा गया है, क्लियर। यहाँ पर टू स्फीयर्स हैं जिनके मटेरियल सेम है, तो मटेरियल की डेंसिटी, मतलब दोनों स्फीयर की डेंसिटी सेम होगी, लिक्विड की डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो इस केस के अंदर बच्चों जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, दैट विल बी बिकम प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो निकालेंगे टी वी टी वन वी टी टू, तो ये रेशो बेटा आर अपॉन आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर चला जाएगा, तो दिस वन वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन थ्री आर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू बेटा 1/3 का स्क्वायर बन जाएगी और ये आंसर आ जाएगा आपका 1:9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, क्लियर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का पॉइंट आ गया बेटा इसके अंदर, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ द एल्यूमिनियम ऑफ द मास, आपको एक ब्लॉक का मास दे रखा है एंड द वॉल्यूम इज दिस वन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड द कंप्लीटली मर्ज इन द कंटेनर ऑफ अ वाटर, द डिक्रीज इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, आफ्टर द मर्जिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, जो एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। एयर के अंदर टेंशन अगर हम देखना चाहें तो एयर में तो टेंशन कितना लिख सकते हैं बेटा, टी इक्वल टू एम जी होगा, लेकिन जैसे आप इसको लिक्विड के अंदर डिप कर देंगे, ठीक है, ये हमने लिक्विड के अंदर डिप कर दिया है, तो एक तो बेटा यहाँ पर वेट लग रहा होगा जो इसका एम जी होगा, एक बॉन्सिंग फोर्स बेटा लगता है बेटा बी जो अपवर्ड होगा, और अब नया टेंशन फोर्स हो जाएगा टी डैश। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर टी डैश जो होगा, दिस वन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर चेंज इन द टेंशन देखोगे तो आप लिख सकते हैं बेटा टी डैश माइनस टी। अब यहाँ पर टेंशन फोर्स जो बेटा वो एम जी से कम हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डिक्रीमेंट बनेगा, ये डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेल्टा टी लॉस लिख देता हूँ पहले से ही, तो अब मैं यहाँ पर टी माइनस टी डैश लिख देता हूँ, तो टी की वैल्यू तो होगी बेटा एम जी, टी डैश की वैल्यू होगी बेटा एम जी माइनस बी। ठीक है, तो अगर आप ये लॉस देखेंगे तो दिस वन लॉस विल बी इक्वल टू द एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ केवल आपका बॉइंट फोर्स बचेगा। बॉइंट फोर्स कितना होता है बेटा, रो वी जी के बराबर होता है। ठीक है, तो रो क्या है, डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है बच्चों, वाटर की डेंसिटी है, जो हम जानते हैं बेटा 10^3 होती है। ठीक है, वी जो है बेटा वॉल्यूम दे रखा है, जो आपको कितना दे रखा है 3.6 × 10^-4, और जी की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर 10 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर, तो प्लस के 3 और प्लस का ये और ये माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वन लॉस विल बी इक्वल टू 3.6 न्यूटन। ठीक है, तो ये टेंशन के अंदर लॉस निकल करके आ गया है, क्लियर। तो इसके अंदर बेटा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ पीस ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट 120 ग्राम इन एयर, 80 ग्राम इन वाटर, ठीक है, 60 ग्राम इन लिक्विड, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों सॉलिड के लिए, ठीक है, तो दिस वन वैल्यू विल बी वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइड बाय लॉस इन द वेट इन वाटर, जो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू दे रखी है बेटा एयर में 120 डिवाइड बाय 120 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 40 एंड दिस वन वैल्यू विल बी 3। तो ये तो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी आ गई। इसी तरीके से अगर आप रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं लिक्विड के लिए, ठीक है, तो इस केस के अंदर लॉस इन द वेट इन लिक्विड डिवाइड बाय लॉस इन वेट इन वाटर,
ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 120 माइनस 60 डिवाइड बाय 120 माइनस 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिवाइड बाय 40, यानी दिस वन वैल्यू विल बी 3/2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटा इसके अंदर, हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्लियर। तो दिस वन इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बच्चों हमको यहाँ पर। तो बच्चों अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ देयर देयर वर नो ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है, उस कंडीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर अ फ्लूट, ठीक है। यानी यदि जी का मान शून्य हो तो द्रव में निम्न में से नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती, सरफेस टेंशन डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर आत्मनिर्ज अपथ्रस्ट फोर्स हो गया, जिसको आप उत्प्लावन बल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बॉइंसिंग फोर्स की वैल्यू जब लिखते हैं तो बी इक्वल टू लिखा जाता है बेटा रो वी जी, और यहाँ पर हम जी इफेक्टिव भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी तो बॉइंसिंग फोर्स जो है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है बच्चों, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज अ रेडियस 0.1 मीटर 0.05 मीटर रेस्पेक्टिवली एम एंड एन, फॉर अ स्टीम लाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड द रेट ऑफ द लिक्विड विल फ्लो इज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टीम लाइन फ्लो दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो स्टीम लाइन फ्लो के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों हम, A1V1 इक्वल टू क्या लिखा जाता है A2V2, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप द रेट ऑफ लिक्विड फ्लो अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट एम पर और पॉइंट एन के ऊपर, दोनों के ऊपर पर सेकेंड फ्लो होने वाले जो अमाउंट ऑफ लिक्विड की वैल्यू होगी बेटा, वो वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं, क्यू की वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम गलत हो गया बेटा, ग्रेटर एट एम देन एन ये गलत हो गया, ग्रेटर एट एन देन एम ये गलत हो जाएगा, सेम एट एम एन, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन हो गया आपसे इस क्वेश्चन के अंदर। ये पूछा गया है द्रव प्रवाह की दर, ठीक है, होगी किन बिंदुओं पर, एम और एन बिंदुओं पर। आपको यहाँ पर यह कंपेयर नहीं कराया गया है कि ना एम और एन बिंदु पर किस बिंदु पर वेग ज्यादा है, किस पर वेग कम है, ठीक है। अगर वेग को कंपेयर कराया जाता तो आप ये कह सकते थे बेटा वेग जो होता है, वेलोसिटी जो है, वो आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के रिवर्स में होती, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर कुछ दूसरा होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ केवल आपसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पूछा गया है, जो दोनों एंड्स के ऊपर यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes. क्या लिखा है, ए ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डेंसिटी रो ईच ऑफ रेडियस ए फॉलिंग थ्रू द एरिया एयर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी दिस वन, ठीक है। व्हेन द ए ड्रॉप्स कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द न्यू ड्रॉप विल बी, ठीक है। आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि टोटल एट ड्रॉप्स ये मिलकर के एक बिग ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हम एक बार जानते हैं द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल, क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी फॉर बिग ड्रॉप डिवाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी फॉर स्मॉल ड्रॉप लिखेंगे तो यहाँ पर बिग ड्रॉप डिवाइड बाय स्मॉल ड्रॉप की रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप के रेडियस का रिलेशन जो होता है बेटा, ये हम सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम कैपिटल आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा बच्चों एन की पावर 1/3, और जब ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप दिस वन विल बी इक्वल टू एन की पावर हो जाएगा ये 2/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, और इनटू में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको 8 दे रखे हैं, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू 8 की पावर 2/3 हो जाएगा, और ये वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है 3.75, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखो आप यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में, जबकि सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको चेंज कर देंगे बच्चों हम, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा।
अब 8 जो है दैट विल बी 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 से 3 पावर कैंसिल होगा, तो ये 2 की पावर 2 बनेगा बच्चों बेटा, जो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन? तो इसके अंदर बेटा आपका सरफेस टेंशन का भी लॉजिक लग गया है और टर्मिनल वेलोसिटी का भी लॉजिक आ गया है। तो क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये 15 × 10⁻²² सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर। यस, देखो इन द फिगर द वेलोसिटी v3 विल बी, आपको यहाँ पर एक पाइपलाइन दे रखी है बेटा जिससे लिक्विड का फ्लो हो रहा है। ये लिक्विड बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फॉर द स्टीम लाइन फ्लो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है जो आपको a1 v1 ये किसके बराबर होगा, a2 v2 प्लस a3 v3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप पहले वाले केस के अंदर देखोगे एटा वेलोसिटी एटा 4 है, एरिया जो दे दिया आपको 0.2 दे दिया, ठीक है। a2 की वैल्यू बेटा 0.2 है, वेलोसिटी यहाँ पर 2 हो गई, a3 वैल्यू आपको 0.4 दे रखी है और v3 वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, 0.4 और ये 0.4, यहाँ पर तो प्लस 0.4 v3, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0.4 को आप इधर ले जाओगे बच्चों, ये 0.4 इक्वल टू हो जाएगा 0.4 × v3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो v3 वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 m/s। तो ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। यस, क्या लिखा है इसके अंदर, अ सिलेंडर ऑफ द हाइट 20 m इज कम्प्लीटली फिल्ड द वाटर, द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इन द मीटर पर सेकेंड थ्रू अ स्मॉल होल ऑफ ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर नियर इज एट द बॉटम, ठीक है। तो आपको 20 cm ऊंचा बेलनाकार पात्र पूर्णतः जल से भरा है, पात्र के तल में एकदम समीप दीवार पर एक छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार जानते हैं बेटा यहाँ पर, अगर आप ये बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसके बॉटम में यहाँ पर आपने होल करा है जिससे लिक्विड जो है आउटवर्ड निकलेगा, और इसके अंदर आपने लिक्विड जो है कितनी हाइट तक फिल करा है बच्चों, ये 20 m, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो होता है बेटा, दिस वन विल बी इक्वल टू √2gh लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2g की वैल्यू बेटा 10, हाइट कितनी दे दी आपको 20, तो दिस वन विल बी इक्वल टू 400, और इसका अगर आप रूट निकालोगे तो दिस वन विल बी 20 m/s, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों इसके अंदर हमारा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन हम सबको, क्लियर। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ अ टैंक हैविंग वाटर, द टोटल प्रेशर एट द बॉटम, आपको टोटल प्रेशर दे रखा है बॉटम पर जो 3 atm के इक्वल है, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपको यहाँ पर एक बीकर दे दिया है जिसके बॉटम में यहाँ पर होल कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक वाटर फिल कर रखा है, क्लियर दिस वन। तो एक पॉइंट बेटा हमने जस्ट इनसाइड ले रखा है और एक पॉइंट हम बेटा जस्ट आउटसाइड लेंगे जहाँ से वाटर निकलेगा विद द वेलोसिटी वी। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब आप बर्नौली इक्वेशंस लगाते हैं तो आप ये कह सकते हैं बेटा PA इक्वल टू क्या हो गया बेटा PB प्लस √2g², ठीक है। तो A पॉइंट के ऊपर टोटल जो प्रेशर बन रहा है वो आपको 3 atm दे रखा है, B पॉइंट बेटा एटमोसफियर में आ जाएगा तो यहाँ पर 1 atm हो जाएगा, 1/2 × ρ × v², तो 3 − 1 कितना होगा बेटा 2, लेकिन ये प्रेशर बच्चों अभी एटीएम में है, 1/2 × ρ × v², ठीक है। तो इसको एटीएम को बेटा आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप इसको 2 × 10⁵ का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, यहाँ पर डेंसिटी बेटा वाटर की 10³ और ये v², तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 × 10⁵ / 10³ = v² हो जाएगा,
ठीक है, तो इट मीन्स वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400, देन द वैल्यू ऑफ वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 400, या फिर आप इसको यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा ऑप्शन जो जा रहा है, अपना ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा रूट 400 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 मीटर स्लाइड मूविंग पैरेलल टू अ सेकंड प्लेट विद अ वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड बीइंग मर्ज इन द वाटर इफ द विस्कस फोर्स इज 0.002 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इज 0.01 पॉइस, देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आपको दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 0.01 पॉइस, जो CGS सिस्टम में है। ठीक है, बाकी सारे डाटा आपको MKS में दे रखे हैं, तो इसको जब आप MKS में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.001 डेका पॉइस। ठीक है, जिसको आप पॉइजुली भी कहते हैं, और ये वैल्यू बेटा किस सिस्टम में लिखी गई है, वो MKS में। ठीक है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा ईटा ए डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यही वैल्यू होती है हमारे पास। तो आप देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स आपसे पूछा गया है, लेयर्स के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, तो दिस वन विल बी इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी डिवाइड बाय फोर्स। ठीक है, तो आप देखो सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है अब, तो ईटा की वैल्यू बेटा हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 0.001। ठीक है, एरिया अगर आप देखो तो प्लेट जो है 0.1 मीटर साइड दे रखी है, स्क्वायर प्लेट है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा आपका साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो आप जब 0.1 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू बच्चों 0.01 आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 0.1। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू आपके पास जो अवेलेबल है दिस वन इज इक्वल टू 0.002। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों पॉइंट्स अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिला करके आप लिख सकते हैं बेटा 1/2 × 1000। ठीक है, तो 1/2 बच्चों कितना होगा 0.5, और इसमें आप अगर 1000 का डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0005। ठीक है, क्लियर, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर मिस्टेक होती है, एक बार कई बार ऑप्शन टिक करने में मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात को हम। चलो बच्चों अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम, इसके अंदर देखो क्या लिखा है, अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन द ओरिजोनटल यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब अंडर द कॉन्स्टेंट प्रेशर डिफरेंस पी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बिकम डबल, रेडियस एंड लेंथ बोथ आर ऑल्सो डबल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड लिखते हैं तो क्यू इक्वल टू लिखा जाता है बेटा पाई पी आर की पावर 4 डिवाइड बाय 8 ईटा है। ये किसी भी पाइप से फ्लो होने वाले लिक्विड का द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड कर रही है, एक पी पे डिपेंड कर रही है, आर की पावर 4 पे डिपेंड कर रही है, और एल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आपको अगर पी का एक्सप्रेशन देखोगे तो P का एक्सप्रेशन हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप P डैश अपॉन P कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर Q डैश अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, L डैश अपॉन L हो जाएगा, और यहाँ पर R की पावर बेटा 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये R अपॉन R डैश की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर P डैश अपॉन P जो है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डबल कर दिया गया है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू जो है ये भी डबल कर दी गई है, और रेडियस जो है ये वैल्यू भी आपको डबल कर दी गई है। ठीक है, लेकिन आर के ऊपर पावर 4 है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एल क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला करके यहाँ पर 2 × 2 × 1/2 की पावर 4 जो हो जाएगा, दिस वन विल बी 1/16, तो दिस वन वैल्यू विल बी 1/4। ठीक है, तो आप पी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस वन विल बी इक्वल टू पी बाय 4, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर इज बेस्ड ऑन,
ठीक है, वेंचुरी मीटर बेटा किसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है, दैट विल बी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है, तो ये बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेटा वर्क करता है, और हम जो वेंचुरी मीटर होता है दैट विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें से लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम वेंचुरी मीटर एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं, जो बर्नौली थ्योरम की इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम यहाँ पर। यस, क्या लिखा है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, के इज अ कॉन्स्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ के बाई पी, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इक्वेशन जो है बेटा पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ठीक है, इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लिख दिया बेटा के। अब डायमेंशन के अंदर हम जानते हैं इक्वल डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को आप ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर पी का डायमेंशन, इस सेकेंड वाले टर्म का डायमेंशन, रो जी एच का डायमेंशन और के का डायमेंशन, इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो अगर आप के अपॉन पी का डायमेंशन देखोगे तो दैट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी आपको डायमेंशन लेस मिल रही है, तो बेटा यहाँ पर एंगल जो होता है इसकी डायमेंशन लेस होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है, तो ये डायमेंशन से भी रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन, आपको ये बर्नौली इक्वेशन दे दिए, द टर्म्स ए बी एंड सी, आपको ये बताना है कि ये वाला टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा और ये टर्म क्या होगा, ठीक है, तो अगर आप बर्नौली इक्वेशन के अंदर बेटा पी अपॉन रो जी लिखते हैं, दिस वन इज इक्वल टू एच प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों टर्म्स जो हैं, ठीक है, इनके यूनिट जो होगी बेटा मीटर होती है, क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी हाइट मीटर में, और ये पूरी वैल्यू जो है मीटर में होती है, ठीक है, तो P अपॉन रो जी जो होता है दैट विल बी प्रेशर हेड, इसको हम प्रेशर हेड कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड, ठीक है, ये सेकंड नंबर जो है टर्म H जो हाइट है दैट इज अ ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल हेड, और ये जो तीसरा लास्ट नंबर का टर्म है दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी हेड, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी हेड कहेंगे, क्लियर। तो ये क्वांटिटी बच्चों प्रेशर हेड हो गई, ये आपकी क्वांटिटी ग्रेविटेशनल हेड हो गई, ये वाली क्वांटिटी जो होती है दैट इज द वेलोसिटी हेड हो गया, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा इसके अंदर, हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशन हेड एंड वेलोसिटी हेड, ठीक है, क्लियर। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इन अ कैपिलरी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको 0.0 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एमएम पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड निकाल ली है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एमएम में कैलकुलेशन करनी है बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर क्यू इक्वल टू है 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड हो गया, इस सेंटीमीटर को अगर आप एमएम में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ये 10^3 आ जाएगा एमएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है, इसी तरीके से एरिया अगर आप देखेंगे तो ये 0.5 बेटा मीटर स्क्वायर है, इसको अगर एमएम स्क्वायर में आप चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10^6 एमएम स्क्वायर, तो मैंने पहले क्वांटिटी को यहाँ पर बेटा एमएम में चेंज कर लिया है। अब एज वी नो दैट क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा A1 A इंटू V, तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपॉन A, तो Q की वैल्यू होगी 200 इंटू 10^3, दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10^6, ठीक है, तो आप देखो 10^6 को 10^3 से कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट और हटा देंगे बच्चों हम यहाँ पर, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा बेटा 2000 डिवाइड बाय 5 और दिस वन वैल्यू इक्वल टू 10^-3, ठीक है, अच्छा 10^-3 से ये 3 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो अब आपके पास वैल्यू बनेगी बेटा 2/5, 2/5 विल बी इक्वल टू 0.4 mm पर सेकेंड, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों इसके अंदर, हमारा फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, 0.4, इज इट क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा,
यस, अ टैंक फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट एच, आपको एक टैंक के अंदर बेटा एच हाइट तक वाटर फिल कर रखा है, ठीक है, क्लियर। अ वाटर इज अलाउड टू कम आउट ऑफ अ होल पी, ठीक है, इन वन ऑफ द वॉल ऑफ एट अ डेप्थ डी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डी डेप्थ के ऊपर यहाँ पर आपने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इन द टर्म्स ऑफ एच, ठीक है। आपको इसका मतलब कैलकुलेट क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर रेंज की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेंज, ठीक है। तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम जो लगेगा बेटा, ये एक तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है, तो दिस वन टाइम विल बी इक्वल टू 2h माइनस डेप डी डिवाइड बाय जी, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स कितना लिखते हैं बच्चों हम, 2g h स्मॉल h, स्मॉल h की जगह बेटा यहां डी डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज किसके इक्वल होती है, रेंज इक्वल टू होती है बेटा v इनटू t के इक्वल। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इनटू 2 बेटा 4 हो जाएगा, जो रूट में है जो बाहर आ जाएगा, ठीक है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 2 अंडर रूट डी एच माइनस डी के इक्वल, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो चला जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम, यस देखें इस क्वेश्चन को, रेक्टेंगुलर वेसल व्हेन द फुल ऑफ वाटर टेक 10 मिनट्स, ठीक है, टू एम्प्टी थ्रो अ ऑरिफिक इन द बॉटम, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू बी एम्प्टी व्हेन द हाफ फिल्ड विद द वाटर। यानी आपने पहले जो है एक बीकर को आपने वाटर से फिल कर दिया जो 10 मिनट के अंदर एम्प्टी हो रहा है, अगर आप हाफ अमाउंट ऑफ वाटर फिल करते हैं तो उसी वाटर को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू एम्प्टी द बीकर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू जो है वो रूट h के क्या है, प्रोपोर्शन में चली गई। तो अगर आप यहाँ t डैश अपॉन t लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा h डैश डिवाइड बाय h, ठीक है। तो हाइट को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो अब आप देखो नया टाइम जो लगेगा एम्प्टी में, दिस वन इज इक्वल टू t/√2। तो t वैल्यू आपको क्वेश्चन में बच्चों 10 मिनट से रखी है, तो ये 10 डिवाइड बाय रूट टू हो जाएगा। अच्छा बच्चों 1/√2 की वैल्यू जो होती है 0.7 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, तो 0.7 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, ये 7 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा। अब यहाँ पर बीकर को एम्प्टी होने में जो है वो 7 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। आई थिंक बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमको क्लियर हो गया है, चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसके अंदर हमको कह रहा है बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, किस कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम के अंदर हम क्या कहते हैं, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, वेलोसिटी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ऑल द सेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब बर्नौली थ्योरम जो होती है दैट विल बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेटा फॉलो करता है, जिसके अंदर प्रेशर एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का जो सम होता है दैट विल बी रिमेंस कॉन्स्टेंट एट द ऑल पॉइंट्स ऑफ लॉ ऑफ लिक्विड, ठीक है, क्लियर। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखें, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी, यानी अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन देखोगे तो गैस और लिक्विड को कंपेयर करा गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो अगर लिक्विड के लिए अगर आप टेम्परेचर को राइज अप करेंगे, ठीक है, तो विस्कोसिटी बच्चों डिक्रीज होती है, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बेटा डिक्रीज होता है, कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज होता है, लिक्विड के अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी बेटा बढ़ जाती है, इसका मतलब यहाँ पर विस्कोसिटी जो होती है बेटा वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैस के लिए बात करना चाहेंगे, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, तो गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उनका कोलिजन जो है बेटा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं,
ठीक है, और अगर कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो है बेटा यहाँ पर स्लो हो जाएगा, और अगर फ्लो स्लो हो जाएगा तो हम कहेंगे विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी होती है दैट विल बी रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ फ्लूड, ठीक है। तो इसका मतलब गैस के केस में तो इंक्रीज हो रहा है और लिक्विड के केस में डिक्रीज होगा, तो इसके अंदर आपका बच्चों कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है, लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है टेम्परेचर राइज अप करने पर, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ द रेडियस आर फॉल फ्रॉम द रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द विस्कस फोर्स, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हीट व्हेन द स्फीयर अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब बॉल मूव कर रही है तो ड्यू टू द विस्कस फोर्स हीट डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो आपको द रेट ऑफ जो हीट डेवलपमेंट है वो आर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा वो देखना हमको। तो इसका मतलब डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी दैट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, जो किसके इक्वल होगा बेटा, पावर के इक्वल होगा, पावर किसके इक्वल होगा बेटा, फोर्स इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विस्कस फोर्स कितना होता है बेटा, 6 pi eta r Vt इंटू Vt लिख सकते हैं, तो इसका मतलब P जो है प्रोपोर्शनल हो गया बेटा R इंटू Vt का स्क्वायर। अब हम एक बार जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो खुद ही R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में हो जाती है, तो इसका मतलब P जो है P प्रोपोर्शनल हो गया बेटा R, और यहाँ R स्क्वायर का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू R इंटू R की पावर 4, तो इट मीन्स P प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चों R की पावर 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके अंदर हमारा, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अ स्मॉल होल ऑफ द एरिया ऑफ सेक्शन 2 mm² दे दिया, प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक अ हाइट 2 meter, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, रेट ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, ठीक है, आपको ये बताना है खुले छिद्र से प्रवाहित होने वाले जल की दर क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर बच्चों क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो किसके बराबर होती है, ए इंटू वी के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर आप एरिया देखोगे तो एरिया है आपके पास 2 mm², ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे बेटा तो ये 2 × 10⁻⁶ m² बन जाएगा, ठीक है। और बाईस तरह एक वेलोसिटी एफ प्लस कैलकुलेट करते हैं, जॉन्डर रूट 2gh के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर 2 × g की वैल्यू बेटा 10, एच हाइट आपको 20, आपको एच हाइट 2 दे रखा है, तो ये वैल्यू बेटा आपके पास हो जाएगी √40। √40 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 2√10 भी लिख सकते हैं, और √10 की जो वैल्यू होती है ये वैल्यू नियरली आपको पाई के इक्वली मिलती है, 3.16 होती है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्यू वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Q वैल्यू विल बी इक्वल टू द 2 × 10⁻⁶ × 2 × 3.16, ठीक है। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो 2 × 2 = 4 × 3 बेटा ये आपके जो है 12 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन हमको फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है ये, तो दिस वन विल बी 12.6 × 10⁻⁶ m³/s, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों इसके अंदर हमारा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा, क्लियर। तो इसके अंदर देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लग गई और आपका जो है वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स भी कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं बेटा। यस, देखें SHM का क्वेश्चन, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ एम्पलीट्यूड ए एंड द टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू ए बाय टू, ठीक है। तो आप देखो ए से ए बाय टू आ रहा है, यानी हम एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जब एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्टिंग होती है तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बेटा ए बाय टू हो गया है, तो ये ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, इट मीन्स कॉस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो ये जो एंगल मिलेगा बच्चों आपको कॉस के अंदर, ये एंगल होता है बेटा कॉस 1/2 की वैल्यू बेटा है, दिस वन इज दिस 60 डिग्री, 60 डिग्री इट मीन्स पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब बच्चों हम ओमेगा टी जो है ये कितना लिख सकते हैं यहाँ पर पाई बाय थ्री, ओमेगा होता है टू पाई अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर टू हो जाएगा पाई बाय थ्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टी वैल्यू निकालोगे तो ये टी बाय सिक्स आएगी जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और आपको ये बता भी देते हैं एटा यहाँ पर, जैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया एटा प्लस ए, ये पोजिशन होगी एटा प्लस के ए बाय टू, और ये आपकी मेन पोजिशन होगी एटा एक्स स्क्वायर टू जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपने निकाला है जो टी बाय सिक्स होगा, और अगर यहाँ से मीन तक का टाइम पूछेगा तो ये टाइम आपका डेटा टी बाय ट्वेल्व होता है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप वन क्वार्टर में से वन बाय सिक्स को माइनस कर दोगे तो ये टी बाय ट्वेल्व के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों आपका चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस देखते हैं इसके अंदर, द रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कब होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है एटा एफ इज प्रोपोर्शनल, क्या लिखते हैं माइनस माइनस एक्स लिखते हैं, तो अगर एफ का मॉड ले लेता हूं तो दिस वन विल बी इक्वल टू के एक्स लिखा जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब एक्स की वैल्यू कितनी पुट करते हैं यहां पर ए के इक्वल, ठीक है। और एक्स इक्वल टू ए पुट करने का मतलब क्या है, पार्टिकल जो है बेटा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, ठीक है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू बेटा मैक्सिमम कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो इसके अंदर बच्चों आपका जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखते हैं इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट प्रेजेंट द SHM, ठीक है। वो इक्वेशन बेटा जो भी कोई सी भी इक्वेशन जो इस कंडीशन को फॉलो करे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू जीरो, वो इक्वेशन क्या होती है बेटा, SHM की होती है। मोस्टली जो पीरियोडिक इक्वेशंस होती हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, वो सारे आपके SHM होते हैं। तो पहला फंक्शन पीरियोडिक है, दूसरा पीरियोडिक है, अगर तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये भी पीरियोडिक होता है, ठीक है। और इस तीसरे की अगर हम बात करना चाहें तो इसके अंदर बच्चों वाई स्क्वायर टू इसका एम्पलीट्यूड लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो टेन थीटा वाला जो फंक्शन होता है बेटा ये नॉन पीरियोडिक होता है, ठीक है। टी की एक वैल्यू के ऊपर वाई जो बेटा इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन SHM रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फोर्थ ऑप्शन जो है टेन फंक्शन जो है वो SHM को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये क्लियर हो गया क्वेश्चन हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस देखें इस क्वेश्चन के अंदर, इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विद एन एम्पलीट्यूड 50 mm, द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बच्चों यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो गिवन है वो आपको 50 mm दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा 50 × 10⁻³ - 3 meters। पहले तो एक कन्वर्जन देख लिया, अब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है बेटा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल होती है बच्चों, ए ओमेगा के इक्वल होती है, ठीक है। और आप इसको ए ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2π / T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 × 2π × 10⁻³, और टाइम पीरियड आपको 2 सेकंड दे रखा है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से 2 क्या होगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 50 × π की वैल्यू 3.14, ठीक है, 10⁻³, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है नियरली आपकी 15 के अप्रॉक्स आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसके अंदर 1000 का डिवाइड कर रहे हैं, दिस वन विल बी 3.14/1000, ठीक है। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो ये कैलकुलेशन के अंदर आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा बेटा, नियरली ये 150 ले लें अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, तो डिवाइड बाय अगर आप 1000 कर देंगे तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 0.15, क्लियर है क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन दे रखा है ऑफ अ बॉडी ऑफ परफॉर्मिंग SHM 2 m/s एंड 4 m/s, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो देखना चाहें, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है बच्चों ए ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी होती है एटा ए ओमेगा, तो दिस वन रेशो विल बी इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है बच्चों 4, ये वैल्यू दे रखी है 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार,
तो आप ये कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर टू टू रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, यस, अच्छा क्वेश्चन है थ्योरेटिकली यहाँ पर। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव SHM, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स इन SHM, SHM में एनर्जी कंजर्वेशन लेते हैं, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, जो मेन पॉइंट होता है एटा उसकी तरफ होता है, ये भी करेक्ट हो गया है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट, अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था, तो ये भी करेक्ट हो गया है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है, क्योंकि जब आप मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन बेटा जीरो होता है, जो मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका बच्चों जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, कण के त्वरण का मान साम्य स्थिति पर अधिकतम होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखो क्या लिखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम दे दिया है, इज एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है, विद द एम्पलीट्यूड दे दिया है 0.5 मीटर, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है, सॉरी टाइम पीरियड दे दिया है पाई अपॉन 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था बेटा, जिसके अंदर हमने F इक्वल टू क्या लिखा था, मैक्सिमम फोर्स के ए के इक्वल होता है, और के किसके इक्वल होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू बेटा 2 पाई अपॉन टी होती है, तो दिस वन वैल्यू विल बी 2 पाई अपॉन टी, टी की जगह आप लिख सकते हैं बेटा पाई अपॉन 5। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 सेकेंड। ये तो हमने अभी ओमेगा कैलकुलेट करा है, ठीक है, 10, इसके अंदर ये 10 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, अब हमको यहाँ पर बेटा यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, एफ मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में मास कितना गिवन है, 10 ग्राम, इसको तो आप केजी के अंदर चेंज कर लेंगे, 1000 का डिवाइड कर दिया, ओमेगा की वैल्यू बेटा 10 है, इसका स्क्वायर बन रहा है तो ये 100 आ जाएगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बेटा यहाँ पर 0.5 है तो ये 0.5 हो गया, तो आप देखोगे ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.5 न्यूटन। ठीक है, इसके अंदर आंसर आएगा बेटा आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ले रहे हैं यहां तक, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, फॉर द स्पीड v एंड एक्सीलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, तो एक कण जो है बेटा आपका SHM कर रहा है, उसके वेग और त्वरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं, व्हेन v इज मैक्सिमम, a इज मैक्सिमम, गलत हो गया, दोनों ही मैक्सिमम नहीं होते बेटा एट द सेम टाइम, वैल्यू ऑफ a इज जीरो, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, यानी v की कोई सी वैल्यू हो, a की वैल्यू एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। व्हेन v इज जीरो, a इज जीरो, वापस से अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट जो है, व्हेन v इज मैक्सिमम a इज जीरो। तो बच्चों हम एक बार जानते हैं, एट मीन पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और एक्सीलरेशन जो होता है बेटा ये जीरो के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जाएगा बच्चों हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज ऑक्सीलेटिंग इन SHM, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस a बाय 2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये a बाय 2 बच्चों मीन पोजीशन पे दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो क्या होगा x बाय 2 a बाय 2 पोजीशन पर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख देते हैं बेटा हम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और टोटल एनर्जी होती है बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गए हैं, क्या एक्सप्रेशन बचा आपके पास, ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों बस x की वैल्यू रख देंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू रखोगे तो ये ए स्क्वायर बाय फोर डिवाइड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी दिस वन वैल्यू 3a² / 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपके पास कितनी 3/4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। चलो और क्वेश्चन डिस्कशन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, आपको कितनी दे रखी है बेटा, 80 जूल दे रखी है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 3/4 एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन के अंदर जो पोजीशन दी जाती है वो मीन पोजीशन से भी दे देते हैं और एक्सट्रीम से भी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो लिया जाता है बेटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और अगर मैं टोटल एनर्जी का रेशो देख लूँ तो बच्चों ये रेशो होगा, ये होता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो जाता है बेटा हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हम बच्चों रखेंगे 3/4 ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9/16, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस वन विल बी इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको टोटल एनर्जी दे रखी है जो कितनी है 80 है, इसको आप इससे कट करेंगे 5 बार तो 9 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों 45 जूल, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। हम जो वैल्यू x की लेंगे बेटा, x इज अ डिस्प्लेसमेंट विच इज टेकन ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये भी एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अ बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 0, मीन पोजीशन के ऊपर बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना कि मैक्सिमम, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन द एक्स इक्वल टू 0, यस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्सिमम होती है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। टोटल एनर्जी 0, टोटल एनर्जी एक्स इक्वल टू 0 पर 0 नहीं होता है बेटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कंजर्व रहती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर तो बच्चों पार्टिकल रेस्ट पर आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका करेक्ट, ट्रू ऑप्शन स्टेटमेंट जो है बेटा वो आपका सेकेंड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक मोशन इज, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी देखें तो अभी मैंने आपको कहा बेटा टोटल एनर्जी जो होती है वो हाफ के ए स्क्वायर लिखी जाती है, जो एक्स वैल्यू के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं बेटा नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सीलरेशन ए इज गिवन बाय दिस वन ए इज इक्वल टू माइनस बी एक्स दे रखा है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन, आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है यहाँ पर, क्लियर। तो आप देखो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन देखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या लिखा बच्चों, माइनस के बी एक्स, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बी है, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट बी हो जाएगी, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है बेटा 2π डिवाइड बाय ओमेगा, तो ये वैल्यू होती है बेटा 2π डिवाइड बाय अंडर रूट बी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा बच्चों, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर यस देखिए, यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है, आपको 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड इज, आपको टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, ठीक है। तो
तो बच्चों हम ए स्क्वायर टू क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 12, ओमेगा स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स वैल्यू दे रखी है 8/3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आप इससे क्वेटा कैंसिल करेंगे 4 times, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू लिखते हैं एटा 2π/ω, तो ये हो जाएगा 2π/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, दिस वन वैल्यू विल बी पाई एंड दिस वन विल बी इक्वल टू 3.14 seconds, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखें इस क्वेश्चन के अंदर वापस लॉजिकल एक क्वेश्चन आ गया। द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल बेटा दुगना हो जाएगा जब, ठीक है। आप देखोगे ऑप्शन के अंदर लेंथ और मास कंपेरिजन में लिए गए हैं, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो लिखते हैं बेटा हम 2π/√L/g लिखते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड बेटा लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये टाइम पीरियड बेटा g के इनवर्स में होता है, लेकिन टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो हैंगिंग बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड को डबल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहला वाला रिलेशन यहाँ पर यूज में ले लेंगे, ठीक है। तो टी की वैल्यू जो है ये डबल होगी, 2 times होगी, कब, जब लेंथ को आप क्या कर देंगे एटा 4 times कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, रेशो निकाल लीजिए आप, t'/t = l'/l, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने 2t लिख दी है, ये t लिख दिया है, ठीक है, दिस वन वैल्यू l'/l, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप l'/l कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो किसके इक्वल होगा 4, यानी l'=2 हो जाएगा बच्चों 4l, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन चला जाएगा द लेंथ इज मेड 4 times, ठीक है, ठीक है। लंबाई को आप 4 गुना तक कर देंगे तो आवर्तकाल बच्चों दुगना हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसके अंदर देखो क्या लिखा है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट इज टी, ठीक है। इफ द लिफ्ट स्टार्ट एक्सीलेटेड अपवर्ड देन द एक्सीलेशन बाय g/3, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो इस केस के अंदर टाइम पीरियड कितना लिखेंगे बेटा, टी इक्वल टू हो जाएगा 2π/√L/g, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। और जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलेट होगी तो इस केस के अंदर टाइम पीरियड 2π/√L/g+a आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर t'/t लिख देते हैं तो ये रेशो चला जाएगा, दिस वन रेशो विल बी इक्वल टू g/g+a, ठीक है। तो आपको यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू आप हमारे पास है बेटा g/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3/4, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों √3/2, ठीक है। तो नया टाइम पीरियड t' जो होगा वो √3/2 × t के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन जाएगा बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन। अच्छा, लिफ्ट अगर अपवर्ड एक्सीलेट ना होकर के डाउनवर्ड एक्सीलेट हो रही होती तो क्या करते उसके इसके अंदर, तो डाउनवर्ड एक्सीलेशन के लिए बेटा यहाँ पर g+a ना करके g-a आ जाता है। और अगर फ्री फॉलिंग लिफ्ट होती है तो फ्री फॉलिंग लिफ्ट के केस के अंदर बेटा टाइम पीरियड इनफाइनाइट सेकंड होता है, जो मैक्सिमम होता है। और इनफाइनाइट सेकंड का मतलब क्या होगा कि जो पेंडुलम है बच्चों को एक तरीके से SHM परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो ये 2 conditions यहाँ पर और भी बनती हैं, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्या लिखा है, अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू, ठीक है, पोल। अगर आप इक्वेटर से पोल पे ले जाएंगे तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये अर्थ बना दें, ये इक्वेटर लाइन है बेटा, ये आपकी रोटेशनल एक्सिस होती है, ये पोल्स होते हैं, ठीक है, और ये इक्वेटर है। तो अगर हम इक्वेटर से पोल पे जाते हैं बेटा तो जी की वैल्यू जो होती है बच्चों वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और टाइम पीरियड जो होता है दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। अगर जी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो टाइम पीरियड बच्चों यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अच्छा क्वेश्चन है ये।
एक सरल उलक का आवर्तकाल बेटा आपको टी दे रखा है, लंबाई में 21% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, लेंथ जो है आप 21% इंक्रीज कर रहे हैं तो हाउ मच इंक्रीज इन द टाइम पीरियड। ठीक है, अगर 21% आप लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो इसका मतलब फाइनल लेंथ जो है वो इनिशियल का 1.21L हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने लिखा था बेटा टी प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट एल होता है, तो अगर आप टी डैश अपॉन टी कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.21L डिवाइड बाय एल ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू रूट 1.21 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1.1। तो आप देख सकते हैं फाइनल टाइम पीरियड टी डैश जो है 1.1T है, तो टाइम पीरियड के अंदर जो चेंजेस बनेंगे बेटा परसेंटेज जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो ये आ जाएगा आपका 10% इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 87 क्वेश्चंस में क्या लिखा है, द बॉडी ऑफ द मास 8 kg, ठीक है ये 8 kg बॉडी का मास दे दिया, इज सस्पेंडेड थ्रू द टू लाइट स्प्रिंग्स एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन द सीरीज एज शो इन द फिगर द रीडिंग इन द एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बेटा तो ये दोनों ही स्प्रिंग जो है सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं, जब दोनों स्प्रिंग्स बेटा सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगी तो इनके अंदर एक्ट होने वाला जो फोर्स की वैल्यू बेटा क्या होगी यहाँ पर सेम बनेगी। ठीक है, यानी एक्स स्प्रिंग जो है वो भी 8 kg की रीडिंग रीड करेगी और ये भी 8 kg की रीडिंग रीड करेगी। ठीक है, अगर स्प्रिंग को आप पैरल में कनेक्ट करते हैं तो उसके इसके अंदर जो वेट होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो आंसर होता है 4 kg and 4 kg, बस ये आंसर होता है इन द पैरल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन आप जितने भी स्प्रिंग बैलेंस एक्ट कर दोगे सबके ऊपर जो वेट बनेगा बेटा वो आपका इक्वल होगा, तो सभी स्प्रिंग की स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो इसके इसके अंदर बच्चों हमारा आंसर जाएगा यहाँ पर 3rd ऑप्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट विल बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एज शो इन द फिगर, आपको यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों स्प्रिंग जो हैं ये किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं बच्चों, ये है बेटा इन पैरल। ठीक है, और अगर पैरल में कनेक्ट हैं तो इनका के इक्वलेंट जो होगा वो हो जाएगा K1+K2 यानी किसके बराबर हो गया 2K1। इसका मतलब अब आप इन दोनों स्प्रिंग को हटाओ, इसकी जगह एक ही स्प्रिंग लगा दोगे बेटा 2K1 की, फिर ये दूसरी स्प्रिंग लग रही है बच्चों K2 और ये मास आपने हैंग कर रखा है। अब ये दोनों स्प्रिंग जो हैं ये दोनों स्प्रिंग किस कॉम्बिनेशन में चली जाएंगी, इनका कॉम्बिनेशन चला जाएगा बेटा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, 1/K equivalent विल बी इक्वल टू 1/2K1 + 1/K2। ठीक है, तो अगर आप के इक्वलेंट लिखेंगे तो इसको आप इन्वर्स कर दीजिए 1/2K1 + 1/K2 और इसका क्या आएगा बच्चों यहाँ पर इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चों हमारा इसके अंदर, 2nd ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ मास एम अटैच टू अ स्प्रिंग ऑक्सीलेशन एवरी टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, इफ द मास इंक्रीज बाय 2 kg, ठीक है आपने मास को बेटा 2 kg इंक्रीज कर दिया है, द टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय 1 सेकेंड, टाइम पीरियड भी 1 सेकेंड इंक्रीज हो गया है, तो इनिशियल मास कितना होना चाहिए ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखना चाहें तो टी इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, 2π√m/k, तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो मास के रूट के प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर अगर t′/t लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा मास m′/m, तो मास कितना इंक्रीज कर रहे हैं बाय 2 kg, तो अगर सपोज करो इनिशियल मास m है तो अब आपने मास इंक्रीज कर दिया बेटा m+2। ठीक है, और टाइम पीरियड जो बेटा 1 सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 सेकेंड था तो अब 2+1 हो गया है, विल बी इक्वल टू द m+2/m। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, एंड दिस वन वैल्यू विल बी m+2/m। ठीक है, अभी क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, कैलकुलेशन स्क्वायर बोथ द साइड कर देंगे तो 9/4 m+2/m क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9m = 4m + 8। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5m = 8, तो m वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 8/5। ठीक है,
और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.6 केजी के इक्वल, जो इनिशियल मास होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों इसके अंदर, हमारा फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन पेपर। यस, टू स्प्रिंग्स ऑफ कॉन्स्टेंट के एंड 2 के, ठीक है, आर कनेक्टेड विद द मास m as shown in the figure, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस केस के अंदर ये दोनों स्प्रिंग जो होती हैं, ये स्प्रिंग किन कॉम्बिनेशन में चली जाएगी बेटा, पैरल कॉम्बिनेशन में चली जाएगी, और अगर पैरल कॉम्बिनेशन में जाएगी तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी बेटा k प्लस 2k, दिस वन विल बी इक्वल टू 3k। अब आपसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी गई है, तो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा 1/2π अंडर रूट k इक्विवेलेंट डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2π और ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ पर 3k लिखी है डिवाइड बाय m, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपका ये थर्ड ऑप्शन जो है वो मैच करेगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों हमने यहाँ पर SHM से, सरफेस टेंशन, एलासिटी, ठीक है, और फ्लूड मैकेनिक से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करा, पेपर सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन जो है क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, जय सी।